and welcome to online platform of Rouse Academy for competitive exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special and dedicated series of Target Prelims 2023. As you already know, इसके पहले भी हम 6 सीरीज़ को कवर कर चुके हैं and this is the 7th सीरीज़ जहां हम जितने भी करंट अफेयर्स अभी तक के डेट में आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है उन सभी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं. So stay with me, ट्यून विद अस एंड आई विल मेक श्योर कि इसके बाहर कोई भी प्रश्न आपके प्रीलिम्स में नहीं आए. तो चलिए देख लेते हैं कि आज की डेट में हम कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक. लगभग 31 टॉपिक हैं आज की डेट में हमारे पास. जैसे स्पेस ब्रिक्स आप देख सकते हैं एक टॉपिक होगा, एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ऊर्जा गंगा, प्रधानमंत्री जीवन, माउना लोआ वॉल्केनो, रिप्लेस, हिमालयन याक एंड सो मैनी, भारत ओएस, नोरोवायरस, येलो बैंड डिजीज एटसेट्रा. लिस्ट आपके सामने है. साथ ही आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग, जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जिन जिन टॉपिक्स को आप देखते जा रहे हैं आप उनकी टाइमिंग वहाँ अपलोड करते जाइए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर द अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो कि वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर यहाँ स्विच कर सकते हैं. चलिए पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, स्पेस ब्रिक्स. देखिए स्पेस ब्रिक्स क्या है, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है ना कि स्पेस में कुछ ब्रिक्स को यहाँ पर बनाया जा रहा है. एज यू ऑल नो कि जैसे इंडिया गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है या हम ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की बात कर रहे हैं. नाउ द पॉइंट कम्स कि हाउ दे गोना स्टे, व्हाट दे विल डू. ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट एक स्टेप है टुवर्ड्स द स्पेस एक्सप्लोरेशन. एक टीम है जो हमारी इसरो की टीम है और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु, इन्होंने मिलकर एक ऐसा सस्टेनेबल प्रोसेस के थ्रू एक स्पेस ब्रिक यहाँ पर बनाया है. ठीक है, जिसका यूज कहाँ पर किया जा सकेगा, लूनर सरफेस पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर हम इसकी बात करें तो भाई इसका प्रोसेस क्या है या इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज होने वाला है, तो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होंगे यूरिया, लूनर सॉइल, बैक्टीरिया, ग्वार बीन्स. प्रोसेस क्या रहेगी, देखिए सबसे पहले इन जो ब्रिक्स को है इनको बनाने के लिए इन्वॉल्व किया जाएगा यूरिया. अब आपको पता है यूरिया कहीं से भी मिल सकता है, ह्यूमन के यूरिन में आसानी से मिलेगा. देखिए अगेन अंडरस्टैंड वन थिंग, इंसान यहाँ से ऊपर कहीं जा रहे हैं तो वो अपने साथ ईंट पत्थर तो लेके जाएंगे नहीं, दे हैव टू डेवलप दीज ब्रिक्स ओवर देयर. तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है जो बहुत ईजीली कैरिएबल हैं और जिनका बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. सो सबसे पहले ह्यूमन यूरिन की यहाँ पर बात की जाएगी जिसको मिक्स किया जाएगा लूनर सॉइल के साथ और एक रॉ मटेरियल यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया जाएगा. उसके बाद इसमें ग्वार गम को लिया जाएगा जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्वार बीन से और इसको भी बहुत ईजीली कैरी किया जा सकता है. नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बैक्टीरिया का यूज किया जाएगा लाइक स्पोरोसार्किना पेस्टुरुली. ठीक है, ये बहुत आसानी से पाए जाते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स को, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये एक तरीके का पाथवे क्रिएट करेगा इनको कंबाइन करने का, इनको जोड़ के रखने के लिए. एंड विद दैट हमारे सामने क्या निकल कर आ जाएगा, आप देखेंगे इन सब के प्रयोग के साथ ही ये जो बैक्टीरिया रहेंगे व्हाट दे विल डू, दे विल कन्वर्ट द यूरिया इनटू क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इसी की वजह से आप देखेंगे अलॉन्ग विद दी बायोपॉलीमर सीक्रेटेड बाय दीज माइक्रोब्स दे विल एक्ट एज अ सीमेंट जो कि इन सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड रखने का यहाँ पर काम करेगी. ठीक है, सो ये मेथड है, ये क्या इंश्योर करने वाली है कि ये जो ब्रिक्स है, पहली बात तो ये लेस पोरस है, मतलब यहाँ पे पोरोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है कि ये आपस में होल्ड नहीं कर पाएंगे या पोरोसिटी ज़्यादा है तो टूटने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, वो यहाँ पर निल हो जाता है. क्लियर. अब इनके देखिए फ़ायदे क्या होने वाले हैं. अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो बिल्डिंग सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर है मूव्स पर उसको बनाने में काम आएगा. ठीक है, सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसरो किस मिशन पर काम कर रहा है, गगनयान मिशन पर काम कर रहा है जो कि ह्यूमन को स्पेस में भेजने की बात कर रहा है, वहाँ पर भी इसकी इम्पोर्टेंस हमें देखने के लिए मिलेंगी. दूसरी कंट्रीज भी जैसे ह्यूमंस को भेजने के बारे में बात कर रही है, सो व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया का जो इसरो और ISSCs हैं ये बाकी कंट्रीज के लिए भी इस तरीके की मटेरियल प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट. याद क्या रखना है, देखिए हर टॉपिक को डिटेल में हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कुछ टॉपिक्स में से सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही हमें एक्सट्रैक्ट करनी है. अगर आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट का PDF चाहिए है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज़ दी राउज अकेडमी पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, एंड देन वी विल मेक श्योर कि हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दें, तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बात कर रहे थे हम एशिया के लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है लहरागागा में, लहरागागा सांगरूरू पंजाब में, ठीक है। अब ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यहाँ पर बनाया गया है, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जो स्कीम है हमारी, जिसे हम सतत स्कीम के नाम से भी जानते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की है, उसके तहत इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। फर्स्ट थिंग क्या पता होना चाहिए, एशिया का लार्जेस्ट बायोगैस कंप्रेस्ड प्लांट कहाँ पर है, पता चल गया हमें। किस स्कीम के अंदर इनॉग्रेट किया गया है जी, सतत स्कीम के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है सतत स्कीम के बारे में भी जानना। सतत स्कीम की बात करें तो देखिए, इस स्कीम को लॉन्च किया था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में। क्यों? ताकि एक जो इकोसिस्टम है कंप्रेस्ड गैसेस, बायोगैसेस को प्रोड्यूस करने का, ठीक है, बायोमासेस का, वेस्ट बायोमासेस का यूज़ करके कंट्री में एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर सतत स्कीम को लाया गया था। सतत स्कीम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, विच इज द सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स द अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सो इस स्कीम का एम है, ये क्या करेगी, एम्पावर करेगी, अनलीश करेगी रूरल इकोनॉमी को, सपोर्ट करेगी फार्मर्स को, इंडिया के डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन को यहाँ पर ये बढ़ाएगी, साथ ही जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उसको कम करने के बारे में यहाँ पर करेगी काम, जिससे इंडिया का जो गोल है टुवर्ड्स दी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी या इंडिया का जो पॉल्यूशन कम करने का गोल है, उसको यहाँ पर मदद करने में ये पर्टिकुलर स्कीम काम करने वाली है। चलिए सतत के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जहाँ से आपके प्रश्न बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। ये यूटिलाइज करेगा 62 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ वेस्ट जनरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है गैसेस के ऊपर, बायोगैसेस के ऊपर, वो तो पहली बात यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। फिर जॉब क्रिएशन भी यहाँ पर होगा, जिन प्लांट्स में इनको बनाया जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, रिजल्टेड इन टू वॉट, उस एम्प्लॉयबिलिटी की वजह से आप देखेंगे जॉब क्रिएशन आपको स्पेशली इन रूरल इंडिया देखने के लिए मिलेगा। इसी के बाद जैसा हमने बात करा, ये पॉल्यूशन को कम करने का काम करेगा और ऑर्गेनिक वेस्ट का एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन भी प्रोवाइड कराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई कंप्रेस्ड बायोगैसेस, सिंस हमने बात कर ली कि एशिया का लार्जेस्ट बन गया है पंजाब में, तो कंप्रेस्ड बायोगैसेस आखिर होती क्या है, देखिए इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए कंप्रेस्ड बायोगैसेस की जब हम बात करें तो ये कंप्राइजेस होती हैं हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, विच आर कंब्यूस्टेबल एंड कैन प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी व्हेन दे आर बर्न्ड। ऑलराइट, सो बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए बायोकेमिकल प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जहां बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है बायोलॉजिकल वेस्ट को इनटू बायोगैसेस, ये बात आप याद रखेंगे। कैसे, देखिए इनका वेस्ट आपको देखने मिलेगा, लाइव स्टॉक का वेस्ट आप देख सकते हैं, आप क्रॉप्स का वेस्ट देख सकते हैं, वेस्ट वाटर होगा, फूड वेस्ट होगा, इन्हें एक प्लांट में डाला जाएगा जहां पे एनॉर्बिक डाइजेस्टर इसको क्या करेगा, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, जिसमें से ये जो गैस निकलेगी इसका इस्तेमाल होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी में, और जो डाइजेस्टेड बच जाएंगे, जो यहाँ पर रह जाएंगे, उनका यूज़ किया जाएगा एज ए फर्टिलाइजर, सॉइल को फर्टिलाइज प्रोवाइड करने के लिए, लाइव स्टॉक बेडिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो बायोगैस है उसको हम एज ए फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे जितना भी वेस्ट है इसका हमने यूज़ कर लिया, यूटिलाइजेशन। इनफैक्ट इसकी सिर्फ गैस का हम अकेला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके जो डाइजेस्टेट्स भी हमें मिल रहे हैं उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस प्रोसेस में, इस बायोगैस की प्रोसेस में जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूट करता है वो हमें देखने मिल जाती है मीथेन गैस। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश, बहुत रानीपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लगातार न्यूज़ का विषय बना हुआ है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्यों, हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है रानीपुर टाइगर रिजर्व अंडर द सेक्शन 38 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जानना हमारे लिए क्या जरूरी है, देखिए रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, जी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। जब हम चित्रकूट की बात कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा हम बुंदेलखंड रीजन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं एडजॉइन कर रहा है मध्य प्रदेश के साथ। एक और इम्पॉर्टेंस जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इसकी महत्वपूर्णता समझ लीजिए। आगे बात करें तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो फॉर्म किया गया था इट वॉज इन 1977, ठीक है। एक ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना लाइक आप टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर्स, स्पॉटेड डियर, सांभर जैसे बहुत सारे जानवर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही रानीपुर को टाइगर रिजर्व का यहाँ पर दर्जा मिल गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, उसी के साथ ये बन गई है उत्तर प्रदेश की चौथी ऐसी जगह जो किसका पार्ट है, आपके टाइगर रिजर्व का पार्ट है। तो बाकी तीन कौन से हैं, देखिए दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, ठीक है। ये तीनों के बाद आज की डेट में कौन आ गया आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसी के साथ आप देखेंगे तो इसके डेजिग्नेटेड होते ही ये बन गया है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप याद रखेंगे कि इट विल बी द फर्स्ट इन द स्टेट पोर्शन ऑफ द बुंदेलखंड रीजन विच शेयर्स विद द नेबरिंग मध्य प्रदेश। ओके, सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर थे। अब हमने 54 टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लिए, तो व्हाट अबाउट दी 57 सेकेंड एंड 53 उनके बारे में भी हम अभी बात कर लेंगे। लेकिन उसके पहले याद रखिए टाइगर 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 लगातार न्यूज़ में है, ठीक है। इंडिया IBCA की भी बात कर रहा है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की भी बारे में हम बात कर रहे हैं, हम पेज में भी टाइगर और इन सबको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स इस साल हमें कोई ना कोई एक प्रश्न इससे देखने के लिए मिलने ही वाला है। अब सवाल आ जाता है कि भाई ऐसी कौन सी अथॉरिटी, ऐसी कौन सी बॉडी है ये जो किसी भी जगह को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए काम करती है। तो आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है टाइगर रिजर्व एरिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NTCA। So this is the wholesale authority which is the National Tiger Conservation Authority। सेम यहाँ पर क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी NTCA के द्वारा क्या कर सकती है, एडवाइस कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई इस जगह को हम क्या करना चाहते हैं, टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दी NTCA। तो याद रखिएगा किसका रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, NTCA का। आगे आ जाते हैं, NTCA की बात करें तो देखिए ये एक अपेक्स बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स के बारे में बात करती है और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2003 में। फाइनली अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये हमें 2005 में देखने के लिए मिलेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंजेस के अंदर ये काम करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। सेक्शन 5A जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 1972, उसके तहत इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है। और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखना है कब हुआ है इसका, 2005 में, ठीक है। टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, बायोस्फीयर्स की प्रोटेक्शन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए काम करने वाली अथॉरिटी कौन सी है आपकी, NTCA। आगे बात कर ले, जैसे मैंने आपको बोला था भाई 54 तो पता चल गया, सो व्हाट अबाउट दी 53 एंड 52। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन आना, हो सकता है आपसे करंट से क्वेश्चन ना पूछा जाए, उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीजें पूछ ली जाए कि इंडिया में भाई 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा था या 53वां कौन सा है, ठीक है। तो उसको भी समझ लेते हैं। 53 की जब हम बात करते हैं तो इट इज द गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये छत्तीसगढ़ में है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे तो चौथा टाइगर रिजर्व बन गया था आफ्टर दी उदांती, सितांडी, अचानकमार एंड दी इंद्रावती रिजर्व। दी फोर्थ वन इन दी छत्तीसगढ़ इज दी गुरु घासीदास नेशनल पार्क। 52वां की बात करेंगे तो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। और इसी के साथ ये भी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया था। तो बाकी तीन कौन से हैं, रणथंबोर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे हम जो सवाई माधोपुर में है, देन सिरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करेंगे जो अलवर में है, एंड दी थर्ड वन वॉज दी मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व्स इन दी कोटा। तो ये तीन के साथ यहाँ का चौथा, इन तीन के साथ गुरु घासीदास कहाँ का चौथा बन जाता है, छत्तीसगढ़ का, और रानीगढ़ के साथ ही उत्तर प्रदेश का भी चौथा टाइगर रिजर्व हमारे सामने आ गया है। तो आज की डेट में भारत के सामने कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टाइगर से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज जान लीजिए, M-STRIPES स्टैंड करता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। क्या है ये पूछ लिया जाएगा, M-STRIPES क्या है या M-STRIPES से संबंधित निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है या गलत है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया है किसने, NTCA ने, किसके साथ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। कब किया था, 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग टैगिंग की तरह काम करता है जो अलाउ करता है टीम को कि वो पेट्रोल कर सकें, टैब रख सकें, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर हो रही है, या जो मैपिंग करने में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनकी मदद करने में ये ऐप यहाँ पर काम करता है। इस ऐप को यूज़ किया जाता है इन दी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब सिंस वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द टाइगर, और भी क्या क्या करंट में न्यूज़ रही हैं टाइगर से रिलेटेड उन्हें भी समझ लेते हैं। तो उसी के साथ इसके बाहर आपका कोई भी सवाल टाइगर से तो एटलीस्ट नहीं आने वाला है। आ जाते हैं ग्लोबल टाइगर फोरम। देखिए ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है, एक लौती इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था विद दी मेंबर कंट्रीज जिनकी इच्छा क्या है किस बारे में काम करना, ग्लोबल कैंपेन चलाना टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए। और इसी के तहत 1993 में अगर आप देखेंगे तो ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम एन इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन एट न्यू दिल्ली इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। अगर हम इसकी नेक्स्ट स्टेटस की बात करें तो इट इज लोकेटेड बेसिकली वेयर, इन न्यू दिल्ली, इंडिया में है, इसीलिए महत्वपूर्णता समझ लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जनरल असेंबली जो GTF की है वो मीट करती है इन एवरी 3 ईयर्स। ये यूटिलाइज करती है कोऑपरेटिव पॉलिसीज़ को, कॉमन अप्रोच को, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को, साइंटिफिक मॉड्यूल्स को और दूसरे जितने अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स हैं उनको। इसी के तहत अगर आप देखेंगे तो जो 13 टाइगर रेंजेस हैं कंट्रीज़ की, दैट कंसिस्ट ऑफ, याद रखिएगा आपसे सवाल आ सकता है कि कौन सी 13 टाइगर रेंजेस हैं कंट्रीज़ की, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ का पार्ट है, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सारी की सारी किसका पार्ट है, आपकी TRC, दैट इज द 13 टाइगर रेंजेस कंट्री का ये पार्ट है। ठीक है, ये इसी ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ काम करती हैं। ये एनविसेज करती हैं कोऑपरेटिव पॉलिसीज़ इन कंट्रीज़ के बीच में कैसी हो, फंड ट्रांसफ़र, अलोकेशंस, कॉमन अप्रोच, टैक्स एक्सपर्टीज, साइंटिफिक अप्रोचेस के बारे में कैसे काम किया जा सकता है और कैसे टाइगर के कंजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए मिलके ये 13 की 13 कंट्रीज़ हमें काम करती हुई नज़र आती हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो वापस न्यूज़ में था। देखिए इंडिया ने क्या करा था, आपको पता है अभी अपना टाइगर का सेंसस रिलीज किया था और उसी के साथ IBCA चर्चा में आ गया था। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने इसको क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलाउंस, और अनाउंस कर दिया यहाँ पर कि इंडिया 800 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाला है। तो चलिए समझ लेते हैं आखिर ये IBCA में बिग कैट्स का मतलब होता क्या है। देखिए आज की डेट में जो 5 सर्वाइविंग स्पीशीज मानी जाती हैं जीनस पैंथेरा की, ठीक है, उसमें कौन कौन आ जाते हैं आप देखेंगे, टाइगर, लायन, जैगुआर, लेपर्ड एंड दी स्नो लेपर्ड। इसी के अलावा नॉन पैंथेरियन की भी कुछ कैटेगरी आ जाती हैं जैसे चीथा एंड कुगर। ठीक है, इनको ही कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो इनको बिग कैट्स बोला गया है। अब IBCA का फोकस किसके ऊपर है, क्या सबके ऊपर है? नहीं। क्यों? ये कौन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। IBCA किसके ऊपर फोकस कर रहा है, IBCA बोल रहा है कि हम 7 बिग कैट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। जैसे कौन सा, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जगुआर एंड दी चीता। तो IBCA का जो फोकस है वो इन सात के ऊपर रहने वाला है। सो इंडिया ने लॉन्च कर दिया है IBCA को और बोला है कि हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि हम सपोर्ट करेंगे आगे आने वाले 5 सालों में विद द गारंटेड फंडिंग ऑफ $100 मिलियन, मतलब 800 करोड़ से ज़्यादा का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडिया करने वाला है फॉर दी प्रोक्योरमेंट एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दी 7 बिग कैट्स। आगे अगर हम बात करें तो इसमें 97 कंट्रीज जहां पर ये बिग कैट्स आपको देखने मिलेंगे, जिनका नेचुरल हैबिटेट हमें देखने के लिए मिल जाता है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके इसमें यहाँ पर काम करने वाले हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है जी? इंडिया पूरी दुनिया में एक लौती ऐसी कंट्री है जहां इन 7 में से आप देखेंगे तो 5 के 5 कैट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, एक्सेप्ट हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ प्यूमा और जगुआर ऐसे 2 कैट्स हैं जो इंडिया में नहीं पाए जाते, ठीक है। ये बाकी सारे आपको पता है, चीतास का इंट्रोडक्शन हो ही चुका है। तो इंडिया में 5 के 5 यहाँ पर पाए जाते हैं। सो आज की डेट में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो IBCA के थ्रू जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उन्हें एक साथ लेकर आएगा और आगे आने वाले टाइम में ये जो पॉपुलेशन है, जो घटके टाइगर्स चीता की अगर हम बात करें वो बहुत ही कम रह गई है, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है। इसकी एक्टिविटीज़ क्या होने वाली है? देखिए ये संस्थान क्या करेगा, यहाँ पे एडवोकेसी करेगा, पार्टनरशिप के लिए बात करेगा, नॉलेज पोर्टल्स को डेवलप करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेगा, इको टूरिज्म की बात करेगा, पार्टनरशिप, फाइनेंसिंग जैसी सारी मुद्दों पर IBCA यहाँ पर चर्चा करने वाला है फॉर दी 7 बिग कैट्स। चलिए आगे अगर हम बात करें भाई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कंप्राइज कर रहा है एक जनरल असेंबली। किससे कंसिस्ट करती है भाई? जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो मिलके क्या बनाएंगी इसकी जनरल असेंबली। काउंसिल में कितने लोग होंगे? देखिए कम से कम यहाँ पर बात की गई है कि कम से कम 7, लेकिन 15 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। इन्हें इलेक्ट किया जाएगा थ्रू दिस जनरल असेंबली इटसेल्फ। कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 साल के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। कितने लोग होंगे? कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 15। चुनेगा कौन? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का पार्ट कौन है? जनरल असेंबली कंसिस्ट करेगी इन्हीं 93 मेंबर कंट्रीज से। कितने टाइम के लिए जी? 5 साल के लिए। इसको यहाँ पर क्या किया जाने वाला है? अपॉइंट किया जाने वाला है। सो अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल द जनरल असेंबली विल अपॉइंट द IBCA सेक्रेटरी जनरल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टर्म। सो आफ्टर द फर्स्ट 5 years व्हाट विल डू कि इंडिया यहाँ पर जो सपोर्ट कर रहा है टोटल ग्रांट असिस्टेंट ऑफ $100 मिलियन। फिर एक्सपेक्ट किया जाएगा जो IBCA की कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पर क्या करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इंटरनेशनल जो लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर फंडिंग करने के बारे में काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बिग कैट्स के बारे में। क्योंकि आपने बिग कैट्स के बारे में बात करी है तो भाई यूपीएससी वो IBCA के बारे में नहीं पूछेगा आपसे, हो सकता है बिग कैट्स के बारे में पूछ ले कि भाई इनका IUCN स्टेटस बता दीजिए। चलिए IUCN स्टेटस नहीं बता सकते हैं तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं उसके बारे में बता दीजिए, तो ये भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लायन के बारे में। IUCN कैटेगरी में बात करेंगे तो ये वल्नरेबल कैटेगरी का पार्ट हो जाता है। आज की डेट में 23,000 से लेकर लगभग 40,000 के आसपास की इनकी पॉपुलेशन है। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सब सहारा अफ्रीका में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में पाए जाते हैं, वेस्ट अफ्रीका में आपको ये देखने मिलेंगे स्मॉल पॉपुलेशन में, और भारत की अगर आप बात करेंगे तो एशियाटिक लायन भारत में पाए जाते हैं कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइगर्स। टाइगर्स की कैटेगरी को देखेंगे तो जी एंडेंजर्ड कैटेगरी का पार्ट है। 3700 से लेके सिर्फ 5000 दुनिया भर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंडिया में बात करेंगे तो हम 3000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन एक टाइम वो भी था जब इंडिया में 40,000 टाइगर्स हुआ करते थे। चलिए बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसी जगह पर टाइगर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैगुआर, जो कि एज आई हैव टोल्ड यू इंडिया में नहीं पाया जाता है, नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। आज की डेट में इनकी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे 1,73,000 की कैटेगरी इनकी देखने मिलेगी। 18 कंट्रीज में ये पाए जाते हैं, स्पेशली जो मेजॉरिटी है वो अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट में और साउथ अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में ये हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चीता की। रिसेंटली इंडिया ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, वल्नरेबल कैटेगरी का ये पार्ट बन जाते हैं। 7,000 से भी कम इनकी संख्या है। अफ्रीका पहले इंडिया में भी पाए जाते थे, आपको पता एक्सटेंट हो गए इंडिया में पोचिंग की वजह से, और इसी वजह से अभी पेंच नेशनल पार्क में इंडिया ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका में भी। कहाँ से? नामीबिया से। इसके अलावा ये आपको रशिया, ईरान और मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। प्यूमा जो कि फिर से इंडिया में नहीं मिलता हमें पता है, नियर थर्टन कैटेगरी में है, लगभग 50,000 के आसपास पाया जाता है। कनाडा, यूएस और सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें लेपर्ड की या स्नो लेपर्ड की, नियर थ्रेटन कैटेगरी में है IUCN की। ग्लोबल लेवल पर देखें तो 2,50,000 से लेकर के आसपास की कैटेगरी में है। इंडिया में 13,000 है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मिडिल ईस्ट एशिया और अफ्रीकन रीजन्स में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट दी ऊर्जा गंगा। ऊर्जा गंगा क्या है? देखिए आप एक जगह देख रहे हैं, ये पूरा चैनल देखिए, ये गैस पाइपलाइन की बात की जा रही है। 2000 आप देखिए 2,655 किलोमीटर लंबी एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। ओरिजिनेट एट दी जगदीशपुर। कहाँ पर? जगदीशपुर, यूपी की बात की जा रही है। और आप देखेंगे तो ये लास्ट में चलती हुई यहाँ तक जा रही है, भुवनेश्वर उड़ीसा तक। ठीक है, क्लियर फोस्टिंग। तो इसका जो मेन काम है, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसी को ही जगदीशपुर, हल्दिया एंड बकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। क्या क्या बोला मैंने आपको? देखिए जगदीशपुर, हल्दिया, आपको हल्दिया यहाँ कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, बकारो और धामरा। दिस इज द धामरा। इसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है? बकारो, जगदीशपुर, हल्दिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, जो कि कनेक्ट कर रहा है ईस्टर्न स्टेट को विद दी नेशनल ग्रिड प्रोजेक्ट। इसका काम क्या है? अगर आप देखेंगे तो प्रोवाइड करना कुकिंग गैस टू द एवरी हाउस होल्ड ऑफ द वाराणसी। फर्स्ट थिंग तो बात की जा रही है। अलॉन्ग विद दैट अगले 2 सालों में जो मिलियंस ऑफ अदर नेबर स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ पर क्या करना है? उनको गैस यहाँ पर प्रोवाइड करना है। साथ ही ये बोल रहा है हमें 25 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को भी यहाँ पर स्टेट में डेवलप करना है, जिसकी वजह से जो गैस है, गैस और फ्यूल्स की जब आप बात कर रहे हो, उसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं और लोगों तक जो इजी एक्सेसिबल है वो यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ऊर्जा गंगा मिशन 2016 लॉन्च कहाँ से किया गया? जगदीशपुर। एंड कहाँ पर होता है? अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा उड़ीसा में खत्म होता हुआ। ठीक है, कहाँ कहाँ से पास कर रही है पाइपलाइन? आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, आप देखेंगे बिहार, आप देखेंगे झारखंड, आप देखेंगे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। यहाँ से भी आपसे सवाल बन सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं कि भाई ये LNG क्या है। क्योंकि गैस की बात करी और जो जो चीज़ें गैस से रिलेटेड न्यूज़ में रही उन्हें भी समझ लेते हैं। सो LNG क्या है? विच इट स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस और LNG एक नेचुरल गैस होती है जिसको कैसे बनाया जाता है? लिक्विफिकेशन की प्रक्रिया के तहत बनाया जाता है। विच मीन्स रिड्यूस टू अ लिक्विड स्टेट थ्रू इंटेंस कूलिंग टू अराउंड -161 डिग्री सेल्सियस। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरी मीथेन फैमिली को। एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि आपको पता है। इसको बहुत आसानी से क्या किया जाता है? LNG को बहुत ही ईजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है थ्रू आउट दी वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ शिप। बहुत ही ज़्यादा ये क्या होती है? स्मॉल होती है, हल्की होती है। अगर हम LNG की बात करें तो ये 600 टाइम्स स्मॉलर होती है अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम से एंड हाफ ऑफ द वेट ऑफ द वाटर एंड इट इज़ द एक्सट्रीमली वेरी लाइट। सो इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी मच कंफर्टेबल कि इसको आसानी से क्या किया जा सकता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। अगर हम इसके एक्सपोर्टर की बात करें तो आज की डेट में देखिएगा दुनिया में LNG का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो है कतर। इंडिया की बात करें तो इंडिया देखिए कतर, USA और UAE से क्या करता है? LNG को इम्पोर्ट करता है। क्लियर? तो आपको याद रखना है LNG क्या है। उसके अलावा इसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कुछ टर्म्स इसी से रिलेटेड। कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन की हम बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर कोल को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है, किसके साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, स्टीम या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, टू फॉर्म अ फ्यूल गैस। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी अगर हम बात करें, इस गैस का आगे यूज किया जाता है instead of the piped natural gas, methane and others for the deriving energy में इसका भी इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहीं पर दो शब्द और आ जाते हैं जब हम कोल गैसिफिकेशन की बात करते हैं, तो एक और शब्द हमें देखने मिलता है जिसे हम बोलते हैं इन सीटू गैसिफिकेशन ऑफ कोल या फिर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, UCG। याद रखिएगा ये शब्द। इट इज अगेन द सेम टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग द कोल इनटू गैस while it is still in the seam and the extracting it through the wells। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाती है सिनगैस। देखिए सिनगैस को जो प्रोड्यूस करने का तरीका है वो यही है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। तो ये क्या करता है, अगर आप सिनगैस की बात करते हैं तो ये प्रोसेस यूसीजी की क्या करती है, सिनगैस को प्रोड्यूस करने का काम करती है। सिनगैस की बात करें तो ये एक मिक्सचर है, कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली ऑफ द मीथेन, याद रखिएगा CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर वेपर H2O का। ठीक है, किस तरीके से, किस प्रोसेस से इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कोल गैसिफिकेशन के थ्रू किया जाता है। इसका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फर्टिलाइजर, फ्यूल, सॉल्वेंट्स एंड दी सिंथेटिक मटेरियल्स। ओके, चलिए आगे बात करें शेल एंड दी शेल ऑयल और गैसेस की। तो देखिए हमें दो चीजें समझनी है, एक तो टाइट ऑयल और एक है शेल गैस। टाइट ऑयल की बात करते हैं तो ये छोटे छोटे बैचेस में पाया जाता है, कहां पर, डीपर देन दी कन्वेंशनल क्रूड डिपॉजिट। वहीं अगर हम शेल गैस की बात करें तो दूसरे कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स की जगह आप इसको देखेंगे तो इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दी परमिएबल रॉक्स। परमिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसी रोक जिनमें किसी चीज़ के परमिशन या किसी के जाने के लिए जगह होती है। ठीक है, वहीं पर ये क्या होते हैं, ये गैसेस ट्रैप हो जाते हैं। शेल गैस यहाँ पर ट्रैप होती हैं लो परमिएबल रॉक्स में और वहीं से ना एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस क्या होती है, एक्सट्रैक्शन की बात करें तो ये इट रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ द फ्रैक्चर इन द ऑयल एंड गैस रिच शेल टू रिलीज द हाइड्रोकार्बन्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलिक फ्रैकिंग और फ्रैक्चरिंग। एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज में इसको कई बार रिपीट किया गया है। सो हाइड्रोलिक फ्रैक्लिंग या फ्रैक्चर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जी, शेल गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है, देखिए इसमें एक मिक्सचर है जिसे हम बोलते हैं प्रेशराइज्ड वाटर, केमिकल्स और सैंड। ठीक है, जैसे कई बार कंबाइंडली हम क्या बोल दिया जाता है, शेल फ्यूड भी बोला जाता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो परमेबल रॉक है इस पर क्या किया जा सके, प्रेशर लगाया जा सके, इसे तोड़ा जा सके और बहुत आसानी से क्या किया जा सके, शेल गैस को एक्सेस किया जा सके। शेल गैस क्यों इम्पॉर्टेंट था, रशिया यूक्रेन की वॉर के टाइम पे इसके प्राइजेस में हमें इजाफा देखने के लिए मिला था। अगर हम इसके प्रोड्यूसर की बात करें तो रशिया और इसके US इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, इंडिया में बात कर लें तो इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे शेल का फॉर्मेशन आपको देखने मिल जाएगा। जैसे कहाँ पर आपको ये देखने मिल जाएगा, कैम्बे, गोंडवाना, कृष्णा गोदावरी बेल्ट और कावेरी रिच लैंड्स पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। कंसर्न क्या है, देखिए क्योंकि शेल गैस की जब हम बात करते हैं तो ये आप देखेंगे बहुत सारे चैलेंजेस इसमें आपको देखने मिलते हैं, स्पेशली रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट। क्यों, क्योंकि ये जहाँ पर पाई जाती हैं ये यूजुअली एक्यूफायर्स के पास पाई जाती है। आपको पता है एक्यूफायर्स बनने के लिए भी परमेबिलिटी और पोरोसिटी की आवश्यकता है। अगर परमेबिलिटी और पोरोसिटी, पारगम्यता आई गैस उसे हिंदी में बोला जाता, नहीं होगी तो किसी भी जगह पे आपको एक्यूफायर डेवलप होते हुए या ग्राउंड वाटर नहीं दिखाई देगा। क्योंकि शेल गैस भी ऐसी ही रॉक्स के साथ बनती है जिसकी वजह से इनके एक्सट्रैक्शन से एक यहाँ पर एक रिस्क हो जाता है कि कहीं ये ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट ना कर दें। जब फ्रैकिंग यहाँ पर की जाएगी तो जो शेल फ्लूइड है वो भी पॉसिबली क्या कर सकता है, एक्यूफायर्स में पेनिट्रेट कर सकता है और इसमें मौजूद जो मीथेन है वो एग्जिस्टिंग पानी को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है या कंटेमिनेट कर सकती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे लोगों को स्किन रैशेज, आई एलर्जी या बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती है। चलिए आगे बात करते हैं इस दी प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन योजना को क्रिएट किया गया है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरीज के लिए कंट्री में, ठीक है। सो इस स्कीम में क्या किया जाने वाला है, फंड अलोकेट किए जाने वाले हैं फॉर द 12 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड दी 10 डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। दो फेजेस में इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया जाने वाला है। जब हम फेज़ 1 की बात करेंगे तो फेज़ 1 में 6 कमर्शियल और बचे हुए 6 कमर्शियल को फेज़ 2 में लॉन्च किया जाएगा। 5 डेमोन्स्ट्रेशन को फेज़ 1 और ऐसे ही 5 डेमोन्स्ट्रेशन को फेज़ 2 में लॉन्च किया जाएगा। काम क्या होगा यहाँ पर, जो एथेनॉल प्रोड्यूस है ये क्या करेगी, ये स्कीम बेनिफिट करेगी बहुत सारे सप्लायर्स को, ऑयल मार्केट कंपनीज को, कि ये क्या करेंगी गवर्नमेंट के डिसाइड हुए किए गए प्राइस पर यहाँ पर क्या करेंगी, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स के तहत यहाँ पर ये काम करती हुई नजर आएंगी। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम क्या होता है, EBP भी हमें समझना होगा क्योंकि सिंस अभी हमने डिस्कस किया कि कहाँ पर ये काम करने वाली हैं, आपको एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत काम करेंगी। तो एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम समझ लेते हैं सबसे पहले क्या है। देखिए जब हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 2003 में, जिसका काम क्या था, प्रमोट करना रिन्यूएबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल्स को, ताकि इंडिया का जो खर्चा हो रहा है, इंडिया का जो पॉल्यूशन में इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको यहाँ पर ख़त्म कर सके और साथ ही इंडिया की जो डिपेंडेंसी है एनर्जी सोर्सेज पे जो इंडिया को लेने पड़ते हैं उस पर डिपेंडेंसी इंडिया की कम की जा सके। सो स्टार्टिंग विद द 5% ब्लेंडिंग द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2020 एंड द 20% ब्लेंडिंग बाय 2030। UPSC कई बार पूछता है, ठीक है। With reference to the ethanol blending petrol program, consider the following statement and it will say, इसने target क्या रखा है, the government has set a target of 20% ethanol blending by 2022 and 10% ethanol blending by 2030 और आपको पता है यहीं आप गलत कर देंगे, तो make sure आपको ये छोटे छोटे से data भी याद रखने हैं। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो इसको लॉन्च किया जा रहा है इन द अकॉर्डेंस विद द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। अंडर दिस प्रोग्राम ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दे विल प्रोक्योर एथेनॉल फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक तो हमारे GDP में इजाफा होगा, वहीं एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ेगी, तीसरी चीज़ आपका क्या बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूस बढ़ेगा और यहीं पे इंडिया बनेगा आपका क्या, आत्मनिर्भर, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रोग्राम की बहुत सारे इंपॉर्टेंस हमारे लिए है। आगे बात करते हैं तो भाई बायोफ्यूल्स की बात कर लिया, बताइए बायोफ्यूल्स क्या है। देखिए आई हैव मेक श्योर कि आप कोई भी यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उससे कोई भी सवाल बाहर नहीं आए। सपोज मैंने आपको बता दिया अभी कि हम क्या पढ़ रहे थे, एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम। अब आपको हमने कई बार बायोफ्यूल शब्द का इस्तेमाल किया तो आपको पता ही नहीं होगा बायोफ्यूल क्या है, तो आप कनेक्टिविटी नहीं ले पाएंगे। सो आई एम मेकिंग श्योर ये मानते हुए कि सिंस आप आने वाला प्रीलिम्स देने वाले हैं, आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने शायद कुछ तैयारी अभी नहीं की है, तो सभी को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरीके की स्लाइड यहाँ पर प्रिपेयर करी है, इस तरीके का कॉन्टेंट प्रिपेयर किया है कि कहीं भी कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पर छूट ना सके। चलिए बायोफ्यूल्स की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग और वंस लिविंग मटेरियल, ठीक है। याद रखिएगा ऑर्गेनिक मैटर की जब हम बात कर रहे हैं, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डेज, वीक और इवन मंथ इज कंसीडर्ड अ बायोफ्यूल। सिंपल, बायोफ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है अपने नेचर में। इसके हिसाब से हमने इसको कैटेगराइज किया गया है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो वुड, ड्राइड प्लांट मटेरियल और मैन्यूर्स इसका पार्ट बन जाते हैं। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो बायोएथेनॉल और बायोडीजल इसका पार्ट बन जाते हैं। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो बायोगैस हमें इसका पार्ट देखने के लिए मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो बायोफ्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें देखिए 4 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड दोस। पहली जनरेशन के जो बायोफ्यूल्स हैं उन बायोफ्यूल्स को फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स कहा जाता है, जो कि कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स होते हैं और जो ऐसी चीज़ों से लाइक शुगर, स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल से बनाए जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे फूड प्रोडक्ट्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, first generation biofuel. So any biofuel made from a feedstock that can also be consumed as a human food is considered as the first generation biofuel, first thing that you will remember. Second is the second generation biofuel. इसको ही कई बार हम एडवांस्ड बायोफ्यूल भी बोलते हैं. ये कौन से होते हैं? दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सस्टेनेबल फीड स्टॉक. सो द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फीड स्टॉक इज बेसिकली डिफाइंड बाय इट्स अवेलेबिलिटी, मौजूदगी कितनी है, इसका ग्रीन हाउस गैसेस पर इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है, एमिशन किस तरीके का होगा, क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो लैंड यूज पर कैसा देखने मिलेगा, पोटेंशियली जो फूड सप्लाई को जो थ्रेट है वो कैसा पहुंचने वाला है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कोई भी चीज़ सस्टेनेबल फीड स्टॉक है या फिर नहीं है. सो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स इज ऑल्सो अ फूड क्रॉप. Through certain food products can become second generation fuel when they are no longer useful for the consumption. याद रखिएगा कौन, जिनका आप consumption के लिए कोई इस्तेमाल नहीं बचा है उनको हम second generation की category में रखते हैं. आगे बात करते हैं third generation की. तो ये derive होते हैं algae से. So these biofuels are given their own separate class. कारण क्यों? क्योंकि देखिए इनका एक अलग प्रोडक्टिव मैकेनिज्म आपको देखने मिलेगा, इनकी पोटेंशियलिटी अलग होती है और इसी की वजह से इनको एक अलग कैटेगरी दे दी गई है. तो आप याद रखेंगे जब हम थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं तो उसका संबंध किससे है, जिनको एल्गी से डिराइव किया जाता है. Now let's talk about the fourth generation biofuels. अगर हम इनके प्रोडक्शन की बात करें तो इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज बायोफ्यूल्स क्रॉप्स दैट आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड, याद रखिएगा जिनको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है टू टेक इन दी हाई अमाउंट ऑफ कार्बन, आर ग्रोन एंड हार्वेस्टेड एज दी बायोमास. और यहीं पर आप देखेंगे इनको बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ दी सेकेंड जनरेशन टेक्निक्स. सेकेंड जनरेशन टेक्निक में मैंने आपको बताया था क्या है, जहां पर नो लॉन्गर यूज इन कंजम्पशन फॉर ह्यूमन बींग्स यहाँ पर आ जाते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जी ट्रिपल ई स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट टॉपिक FSSAI का है, फूड सिक्योरिटी की यहाँ पर बात की जा रही है. ट्रिपल ई आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है जी. ट्रिपल ई की जब हम बात करते हैं तो पहला ई जो यहाँ पर है इट स्टैंड्स फॉर बेटा एजुकेशन. ठीक है, एजुकेट करना, किसको एजुकेट करोगे आप? कंज्यूमर्स को, साथ ही साथ जो बिजनेसेस हैं, पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको यहाँ पर बात बताना कि क्या नहीं करना है आपको. जो आपके पास कुकिंग ऑयल है जिसका आप इस्तेमाल करते रहते हो उसका क्या नहीं करना है आपको, यूज़ नहीं करना है. ऑलराइट, चलिए सेकेंड ई की बात करते हैं. तो सेकेंड ई इज अबाउट द एनफोर्समेंट. किसके एनफोर्समेंट की बात करें, ये बोल रहा है पर्टिकुलरली अमंग्स द लार्ज फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, रेस्टोरेंट, फूड जॉइंट्स दैट दे आर फ्राइंग फूड इन अ लार्ज क्वांटिटीज, उनको यहाँ पर अवेयरनेस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा इज द इकोसिस्टम. सो यहाँ पे किस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करना है, टू कलेक्ट यूज्ड कुकिंग ऑयल एंड प्रोड्यूसिंग बायो डीजल फ्रॉम इट. सो दिस इज अबाउट द ट्रिपल ई स्ट्रेटेजी. सो जो रिपीटेटेड कुकिंग होती है, जब बार बार हम सेम तरीके के ऑयल का यहाँ पर यूज करते हैं, उसको कम यूज करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं. और टीपीसी ऑयल में बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है हाई रिस्क बीपी जैसी, हार्ट अटैक, लिवर डिसीजेज, अल्जाइमर होते हैं. इसीलिए जब हम आप स्ट्रीट फूड्स ज़्यादा खाते हैं तब आप देखेंगे कि आप ज़्यादा बीमार पड़ेंगे. आप आउटसाइड फूड ज़्यादा खाते हैं जहाँ पर बार बार एक ही तेल का एक ही कुकिंग ऑयल का रिपीटेडली यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है. चलिए लेट्स नेक्स्ट टॉक अबाउट माउना लोआ वॉल्केनो. 38 ईयर्स के बाद आपने देखा इसका इरप्शन हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय था. सबसे पहले मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि आखिर माउना लोआ कहाँ पर है. देखिए हवाईयन आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो एक तरीके से ग्रुप आपको देखने मिलता है. हवाईयन आर्किपेलागो में आपको बहुत सारे इस तरीके के वॉल्केनोज देखने मिल जाएंगे. ठीक है, सो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बना हुआ है माउना किया और यहाँ पर बना हुआ है माउना लोआ वॉल्केनो, यहाँ पर सिचुएटेड है एट दिस पॉइंट. ठीक है, चलिए अब 5 ग्रुप हमें यूजुअली देखने मिल जाते हैं. ये 5 1 2 3 4 5 ये 5 मिलकर क्या बना देते हैं हमारे हवाईयन आइलैंड के पूरे के पूरे जो आपको देखने मिलेंगे वॉल्केनो, उनका निर्माण ये कर देते हैं। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इसे माना जाता है, ठीक है, नॉट द टॉलेस्ट वन, याद रखिएगा। कहां पर है? हवाईएन आइलैंड में। दूसरी चीज आप याद रखिएगा, ये एक शील्ड वॉल्केनो है। शील्ड मतलब ऐसे दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको जैसे किसी वॉरियर की शील्ड रखी हुई है, ऐसा एक स्लोप यहाँ पर देखने मिलेगा। अभी हम समझेंगे कि ये शील्ड वॉल्केनो कैसे बनते हैं, ठीक है। सो सेकंड थिंग, हवाईयन आइलैंड्स में ये बना हुआ है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो हमें ये देखने के लिए मिलता है। इसी के अलावा आप याद रखेंगे कि ये टॉलेस्ट नहीं है, ये माउना किया के पास है। ये है माउना किया, देखिए माउना किया इज द टॉलेस्ट बट द लार्जेस्ट, जो कि बहुत सारे हाफ ऑफ द आइलैंड्स मास को घेरता है। वो कौन सा है? आपका माउना लोआ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इट सिस्ट इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द किलाउई, ये आप याद रखेंगे। ये है आपका किलाऊ, बिल्कुल किलाऊ के नॉर्थ में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, विच इज करेंटली इरप्टिंग फ्रॉम इट समिट क्रेटर, इसीलिए ये भी न्यूज में था। किलाऊ भी नोन है, 2018 में इसका इरप्शन हुआ था और लगभग इसकी वजह से इसने 7000 से ज्यादा जो घर थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी की वजह से जो लावा है वो पूरा का पूरा नदियों के थ्रू ओशन में पहुंच गया था और जितनी भी फसल है, जितने भी फार्मर्स के लैंड्स थे, उसको भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। माउना लोआ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए आखिरी बार हिस्ट्री में जो हमारे पास अकाउंटेड डेटिंग है कि 1843 में इसका इरप्शन हुआ था। दैट मीन्स अभी तक इट इरप्टेड 33 टाइम्स और ये 38 सालों बाद हमें इसने देखने मिला है कि इसका इरप्शन यहाँ पर हुआ है। आगे बात कर लेते हैं कुछ फेमस वॉल्केनोज की। उसके पहले समझ लेते हैं एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है। देखिए किसी भी वॉल्केनो को एक्टिव वॉल्केनो तब माना जाएगा जब वो इरप्ट हुआ हो विद इन दी हैलोशियन पीरियड। हैलोशियन पीरियड क्या हो जाएगा? जहां पर लास्ट 11,650 सालों को ही इस कैटेगरी में लाया जाता है। तो डोरमेंट वॉल्केनो कौन से हो जाते हैं? डोरमेंट वॉल्केनो वो हो जाते हैं दोज एक्टिव वॉल्केनो विच आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ इरप्टिंग करंटली, लेकिन ये कभी भी, इनमें पोटेंशियल है कि ये भविष्य में कभी भी क्या कर सकते हैं, ये इरप्ट हो सकते हैं। ऐसे वॉल्केनोज को हम क्या बोलते हैं? डोरमेंट वॉल्केनोज बोलते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया माउना लोआ क्या है, एक डोरमेंट वॉल्केनो है जो कि लास्ट टाइम आज से 38 इयर्स पहले क्या हुआ था, इरप्ट हुआ था। एक्सटेंट वॉल्केनो क्या हो जाते हैं? ऐसे जिनको साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि अब भविष्य में कभी भी यहाँ पर कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने के लिए नहीं मिल सकती, ऐसे वॉल्केनोज को हम एक्सटेंट वॉल्केनो बोलते हैं। जैसे बैन नेविस इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द यूके एज वेल एज यू विल रिमेम्बर कि इट इज द एक्सटेंट वॉल्केनो। देखिए आपको एक ही टॉपिक पढ़ते हुए आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, सो मेक श्योर आप सारी चीजों को यहाँ पर नोट करते चल रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो कार कटाओ जो कि इंडोनेशिया में है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक वॉल्केनो जो कि इरप्ट हुआ था, आप देखेंगे 1883 में। आपको कितना याद रखना है? क्रैकटाओ इंडोनेशिया में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे माउंट वेसुवियस इटली की, जो कि इन 79 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो माउंट वेसुवियस इरप्टेड इन वन ऑफ द डेडलीस्ट इरप्शन इन यूरोपियन हिस्ट्री एंड किल्ड एज मेनी एज मोर देन 16,000 एंड डिस्ट्रॉइंग द टाउन ऑफ पोम्पे। तो याद रखिए माउंट वेसुवियस कहाँ पर है? इटली में है। देन माउंट फुजी जापान में देखने मिलेगा हमें। देन E15, इसको E15 बोला जाता है, ये कहाँ पर है? आइसलैंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किलाउई, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, हवाईयन आइलैंड में है। ये सारे के सारे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं माउंट सेंट हेलेना, जो कि कहाँ पर देखने मिलेगा आपको? यूएसए में वॉशिंगटन के पास देखने के लिए मिलेगा। नाउ द क्वेश्चंस कम, किसी भी जगह को, किसी भी वॉल्केनिज्म को मेजर कैसे किया जाता है? सो जितनी भी वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स होता है, जिसे हम VEI बोलते हैं, ये एक स्केल है। किसके लिए? वॉल्केनिज्म को मेजर करने के लिए जो स्केल है उसका नाम क्या है? वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स। ये एक स्केल है जिसका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए किसी भी वॉल्केनो के एक्सप्लोजन को। ये रेंज करता है 1 से 8 के बीच में, विद दी हायर VEI इंडिकेट करता है कि ज्यादा एक्सप्लोजन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अगर हम माउना लोआ की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि VEI ऑफ द करंट इरप्शन एट माउना लोआ इज नॉट नोन। हालांकि जो प्रीवियस इरप्शन है जो 1984 में हमें देखने मिले थे वो जीरो थे, दैट मींस कि डेडलीस्ट इसका कम हमें रूप देखने के लिए मिला था। चलिए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, चार टाइप के वॉल्केनो आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। एक तो हो जाते हैं शील्ड वॉल्केनो, ठीक है, दूसरे आपको देखने मिल जाएंगे सिंडर कोन, तीसरे कॉम्पोजिट या स्ट्रेटो वॉल्केनो जिन्हें हम बोलते हैं, और लावा डोम। जब हम शील्ड वॉल्केनोस की बात करते हैं तो ये इनका जो शेप होता है ये जेंटल स्लोप होता है, ठीक है, इस तरीके का। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक तो मैग्मा जो होता है वो हॉट आपको देखने मिल जाएगा, लो विस्कस मैग्मा आपको देखने मिल जाएगा, दैट मीन्स लो विस्किसिटी, दैट मीन्स यहाँ पर थिकनेस नहीं है, रिजल्टेड इन टू व्हाट, जब थिकनेस नहीं है तो ये दूर तक ट्रैवल करेगा और दूर तक ट्रैवल करने की वजह से ये यहाँ से निकला और ये दूर तक ट्रैवल करता जाएगा एंड ग्रेजुअली ये ठंडा होता जाएगा, तो हमें शील्ड जैसा शेप इसका देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलो, इसी की वजह से आप देखेंगे ये वाइड होते हैं, लो और जेंटल स्लोप आपको देखने मिल जाएगा। इसका एग्जांपल हमें बहुत अच्छा देखने मिलेगा माउना लोआ जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज दी सिंडर कोन। सिंडर कोन की बात करें अगर हम तो लो विस्कस मैग्मा होता है अगेन इसका, दैट मीन्स लो विस्कसिटी मतलब थिकनेस कम है यानी दूर तक ट्रैवल करेगा। हॉट और सॉफ्ट मैग्मा इसका हमें देखने के लिए मिलता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर स्टीप साइड ऐसा कोन जैसा शेप ये ले लेता है, ठीक है, और ऊपर एक स्मॉल क्रेटर बना लेता है जिसकी वजह से दैट वाज सराउंडेड बाय द डेब्रिस ऑफ स्मॉल रेड और ब्लैक बेसाल्टिक रॉक विद लिटिल होल्स, जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, और इसी के शेप की वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, सिंडर कोन, ठीक है। एक्सप्लोजिव होते हैं, लावा जब यहाँ से बाहर निकल के आता है तो साइड से निकलता है, गैसेस निकल के आती हैं और इस तरीके का एक कोन का शेप आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल हमें देखने मिलेगा पैरिक्यूटिन मैक्सिको। नेक्स्ट इज दी कॉम्पोजिट या फिर स्ट्रेटो वॉल्केनो जिसे हम बोल सकते हैं। अगर हम मैग्मा की बात करें तो कंपैरेटिवली कूलर मैग्मा होता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, थिक होता है, स्टिकी होता है, मतलब विस्किसिटी इसकी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा विस्किसिटी होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये धीरे धीरे जब ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है तो कई बार ये रास्ते में ठंडा हो जाता है, फिर ट्रैवल करेगा रास्ते में ठंडा हो जाएगा, और फाइनली जब ये इरप्ट करता है तो ये जो ब्लॉकेज है इसको तोड़ता हुआ जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो एक्सप्लोजन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वायोलेंट एक्सप्लोजन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे गैस बबल्स यहाँ पे इसके साथ निकलते हुए आते हैं। इसके अगर हम शेप की बात करें तो एक नॉर्मल शेप होता है, साइड्स कोन्स जैसी होती है, रफ लैंडस्केप होता है, जैसा आपको पहाड़ का देखने मिलता है वैसा ही दिखाई देगा। एग्जाम्पल माउंट फ्यूजी, आपको जापान में इसका एग्जाम्पल दिखेगा। नेक्स्ट बात करें लावा डोम। लावा डोम में जो मैग्मा होता है वो बहुत ही ज्यादा विस्कस होता है, दैट मीन्स क्या होगा, हाई विस्कसिटी है यानी थिकनेस यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेगी। गैस लो लेवल होती है, वायलेंट हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक ये ट्रेवल नहीं कर पाते। इसका एग्जाम्पल देखने मिलेगा हमें माउंट सेंट हेलेना, यूएसए। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन की तरफ। देखिए, अपने आप में पहला इस तरीके का एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड एंड देयर यूनिक इकोसिस्टम। इसको लीड कर रही है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ 12 कंट्रीज इन एशिया, जो कि रेंज करते हैं, घर बनाते हैं किसका, स्नो लेपर्ड का। ये कंट्रीज कौन सी देखने मिल जाएंगी आपको आज की डेट में, तो आप देखेंगे अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज आपको देखने मिलेंगी। ये 12 की 12 कंट्री ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम का पार्ट बनाती हुई नजर आती हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका जो सेक्रेटरिएट है आप याद रखेंगे कि वो बेस है कहाँ पे, बिश्केक में, ठीक है। इसी की वजह से आप देखिए कई बार बिश्केक डिक्लेरेशन नाम भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जो इसको होस्ट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इकोलॉजी एंड टेक्निकल सुपरविजन ऑफ द किर्गिज रिपब्लिक। सो बेसिकली इसका जो क्रिएशन है वो 2013 में किया गया। स्नो लेपर्ड्स को बचाने के लिए, जहां पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। जितने भी पॉलिटिशियंस है, ऑफिशियल्स है, वो यहाँ पर सब आए। बिल्किश में एक डिक्लेरेशन हुआ 2013 में और डिसाइड किया गया कि इस स्पीशी के कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इन कंट्रीज के नाम जो आप नहीं भूल सकते कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है। आगे आ जाते हैं, स्नो लेपर्ड के बारे में बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथीरा यूनिकिया। एक प्रेडेटर है स्नो लेपर्ड, एक इंडिकेटर के रूप में भी काम करते हैं जो हमें माउंटेन इकोसिस्टम के बारे में बताते हैं। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे तो माउंटेन्स में ही आपको देखने मिलेंगे। इनकी पोजीशन आपको एक टॉप प्रेडेटर, फूड वेब में अगर आप देखेंगे तो ये टॉप प्रेडेटर बनते हैं। हैबिटेट की बात करें तो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, ये हमें कहाँ देखने के माउंटेनियस रीजन में देखने मिलेंगे, सेंट्रल और सदर्न एशिया में। इंडिया में अगर हम बात करें तो इनकी जो ज्योग्राफिकल रेंज है वो कंपास करती है वेस्टर्न हिमालयाज का रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिमालयाज में उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, स्नो लेपर्ड की कैपिटल बोली जाती है जी आपका क्या, हेमिस। हेमिस कहाँ पर है, लद्दाख में, याद रखिएगा। और इसी के साथ आप याद रखेंगे हेमिस नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, लद्दाख में बना हुआ है, विच इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड ऑल्सो हैज अ गुड प्रेजेंस ऑफ द स्नो लेपर्ड। इसी वजह से इन्हें स्नो लेपर्ड का कैपिटल बोला जाता है दुनिया में। क्लियर, चलिए प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो देखिए IUCN की वल्नरेबल लिस्ट का पार्ट है ये। रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीशी की कैटेगरी मैंने रखा हुआ है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 और 1972 के प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 का ये पार्ट है। ऑल्सो दे हैव लिस्टेड इन द कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज अफॉर्डिंग द हाईएस्ट कंजर्वेशन स्टेटस टू द स्पीशीज बोथ ग्लोबली एंड इन द इंडिया इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है। दो कैंपेन हम यहाँ एक साथ पढ़ेंगे विच इज दी स्वास्थ्य भारत यात्रा एंड दी हार्ट अटैक रिवाइंड। हार्ट अटैक रिवाइंड की हम बात करें तो अगेन FSSAI ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, एक मास मीडिया कैंपेन है अपनी तरीके की, जहां पर बात की जा रही है एलिमिनेट करना है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांसफैट को इन फूड सप्लाई बाय 2022। ट्रांसफैट को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं 2022 में, क्यों, ईयर अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट सेट बाय द WHO। तो ये कैंपेन क्या करने वाली है, सिटीजन्स को अवेयर करेगी, समझाएगी कि भाई ट्रांसफैट कैसे अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, हेल्थ हजार्ड यहाँ पर समझाए जाएंगे और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जाएंगी इससे निपटने के लिए। तो हार्ट अटैक की बात करें अगर हम तो ये फॉलो अप कर रहा है जो प्रीवियसली कैंपेन होती थी, आपको याद होगा ईट राइट कैंपेन, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे, जिसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2018 में, जहां पर एडेबल ऑयल इंडस्ट्रीज को बोला गया था टू टेक अ प्लेज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट कंटेंट बाय द 2% बाय 2022। उसकी जगह पर आपको हार्ट अटैक रिवाइंड के बारे में बात की गई है, क्योंकि हमें पता है ट्रांस फैट के बढ़ने से आप देखेंगे होता क्या है, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, अल्जाइमर्स और हार्ट अटैक जैसी परेशानियां देखने मिलेंगी। इसी के साथ एक और स्कीम हमारे सामने आ जाती है विच इज दी स्वस्थ भारत यात्रा। एक इनिशिएटिव है जिसको स्टार्ट किया गया है अंडर अगेन दी ईट राइट कैंपेन, जो कि एक पैन इंडिया साइक्लोथॉन की तरह यहाँ पर बात कर रहा है और लोगों को एंगेज कर रहा है फूड सेफ्टी के बारे में बताने के लिए, फूड एडल्ट्रेशन और हेल्दी डाइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए काम करेगा। चलिए, क्योंकि ट्रांस फैट की बात करी है, जैसा मैंने पहले बोला था हम कुछ भी यहाँ नहीं छोड़ने वाले हैं, तो बस बने रहिए पूरे वीडियो में, कुछ भी कहीं बाहर से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वीडियो में ट्रांसफैट बोल दिया, अभी हम सर्च कर रहे हैं कि ट्रांसफैट किसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसफैट की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट प्रोड्यूस होते हैं बाय द कन्वर्जन ऑफ द वेजिटेबल oil into the semi-solid hydrogenated oil, leads to cancer, cardiovascular diseases, diabetes and also increase the चांसेस ऑफ द बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम LDL बोलते हैं, है ना, अलग अलग गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल दो होते हैं, HDL एंड LDL। सो LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। सो TFA की अगर हम बात करें, मतलब ट्रांस फैट्स की अगर हम बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमें बेसिकली दो तरीके के देखने मिलते हैं। एक तो होते हैं नेचुरली अकरिंग, ठीक है, जो कि डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स के थ्रू हमें मिलते हैं। दूसरे हो जाते हैं इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांसफैट। तो याद रखिएगा जब हमने हार्ट रिवाइंड कैंपेन बोला था ना, तो देखिए मैंने आपको बोला था इंडस्ट्री इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट को यहाँ पर 2022 तक कम करना है। नेचुरल की बात नहीं की जा रही है। तो दिस एड्स हाइड्रोजन टू लिक्विड वेजिटेबल्स ऑयल्स टू मेक द मोर टेस्टी दैट फाउंड इन द पैकेज फूड, बेक गुड्स, कुकिंग ऑयल्स, और इन सब में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट जो आप स्प्रेड्स लगाते हैं ना, मेयोनीज लगा रहे हैं या दूसरी कोई स्प्रेड्स लगा रहे हैं, न्यूट्रेला एंड ऑल, वहां पर आपको क्या देखने मिल जाएगा, इस तरीके के ट्रांस फैट देखने मिल जाएंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, उसमें पीछे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में आप देखिए 2% से ज्यादा ट्रांस फैट है। दैट मीन समझ लीजिए आप न्योता दे रहे हैं सारी बीमारियों को, राइट। चलिए ईट राइट मूवमेंट की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया FSSAI विच इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने इसे लॉन्च किया था 2017 में। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके साथ इसे लॉन्च किया गया था। किसके लिए? जो सॉल्ट, शुगर और ऑयल कंजम्पशन है उसका 30% रिड्यूस करना इन दी अपकमिंग 3 ईयर। क्यों? क्योंकि FSSAI एक ट्रांसफॉर्म कंट्री को करने की बात कर रहा है, जहां पर बोल रहे हैं कि भाई आपको सही भोजन बेहतर जीवन जैसी टैगलाइन इन्होंने प्रोवाइड करी है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये अकेले काम नहीं कर रहा है। जब आप सही भोजन बेहतर जीवन की बात करेंगे तो देखिए आप फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, आप माल न्यूट्रिशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप एनीमिया मुक्त भारत की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप आयुष्मान भारत के साथ यहाँ पर काम करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोग्राम था ये आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ भारत मिशन के साथ यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो बॉडीज हैं उनको बनाया गया है ताकि वो इस तरीके की गतिविधियों को देख सकें कि क्या ट्रांस फैट का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए WHO, क्योंकि हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और पॉइंट ले लेते हैं। WHO का इनिशिएटिव क्या है? WHO एक इनिशिएटिव लेके आई है जिसका नाम है रिप्लेस। ठीक है, एलिमिनेट करना है अगेन किसे? इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली ट्रांस फैट को बाय 2023। देखिए अभी पीछे मैंने आपको बताया था इंडिया ने क्या बोला कि हमें 2022 तक करना है, क्योंकि अगले साल क्या आ रहा है, WHO का सेट किया हुआ गोल बस वो यही है, रिप्लेस। सो रिप्लेस किसके लिए स्टैंड करता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिप्लेस का फुल फॉर्म क्या है और ये किसका इनिशिएटिव है। दो चीजें आपको पता चल गई, चलिए समझ लेते हैं। R की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर रिव्यू। किसके लिए रिव्यू करना? जो डायटरी सोर्सेज हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस में यूज किए जाते हैं, जहां से ट्रांस फैट आता है, उसकी क्वालिटी को यहां पर मेंटेन करना, उसके लिए पॉलिसीज लाना। ठीक है, P की यहां पर बात की जाती है तो दैट स्टैंड्स फॉर प्रमोट। ठीक है, E का यहाँ पर कोई रोल आपको देखने नहीं मिलेगा। प्रमोट की बात की जाए तो रिप्लेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट विद दी हेल्दी फैट्स, जैसे आपको जो ओट्स के थ्रू मिल जाते हैं, या आप अगर बात करेंगे तो आपको जो नेचुरली मिल रहे हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। L की बात करा जा रहा है तो लेजिस्लेट और इनैक्ट रेगुलेटरी एक्शन टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट। A की बात करें एसेस एंड मॉनिटरिंग ट्रांस फैट कंटेंट इन दी फूड सप्लाई एंड चेंजेस इन ट्रांस फैट कंजम्पशन इन दी पॉपुलेशन। C की बात करें तो क्रिएट की बात कर रहे हैं, किसको क्रिएट करना है, अवेयरनेस। नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट जो TFAs के थ्रू हो रहे हैं, ट्रांस फैट के थ्रू हो रहे हैं, उसको लोगों को बताना, पॉलिसीज बनाना, इस तरीके की प्रोडक्शंस क्रिएट करना जहां पर क्या किया जा सके, एक कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात की जा सके। एंड लास्ट इज द E, एनफोर्स। इन सारी जो पॉलिसीज आपने बनाई है, रेगुलेशंस आपने बनाए हैं, इनको एनफोर्स भी करना। सो रिप्लेस स्टैंड्स फॉर रिव्यू, प्रमोट, लेजिस्लेट, एसेस, क्रिएट एंड एनफोर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दी हिमालयन याक। क्यों न्यूज में है? देखिए हिमालयन याक ने अर्न कर लिया है दर्जा फ्रॉम दी FSSAI इज दी फूड एनिमल टैग। ठीक है, अब ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है ये हेल्प करेगा, जो इनकी पॉपुलेशन हाई एल्टीट्यूड पर लगातार डिक्लाइन होती जा रही है उसको चेक करने में ये मदद करेगा बाय मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल मिल्क एंड द मीट इंडस्ट्री। सो बेसिकली जब हम याक की बात करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं जीनस बोस फैमिली से, जो कि रिलेट करती है कैटल फैमिली से बिलोंग करती है। अगर हम डोमेस्टिक याक की बात करते हैं तो दे आर द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द वाइल्ड याक, जिनको बाद में क्या करा जाने लगा, इनको पाला जाने लगा। ठीक है, यूजुअली जो बोविनी ट्राइब होती है जिसमें आप देखेंगे बिशन, बफेलोस और कैटल भी इसका पार्ट होते हैं, ये उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं और -40 डिग्री टेम्परेचर इवन समटाइम लोअर देन दी -40 तक ये आसानी से झेल सकते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड पे रहने की अडेप्टेबिलिटी इनके अंदर आ चुकी है। इनको आप देखेंगे तो कवर होते हैं बड़े बड़े बालों से, ठीक है, पूरे ऐसे कर्टेन की तरफ इनके ऊपर फैले होते हैं। कई बार तो इतने लंबे इनके बाल होते हैं कि वो जमीन तक आते हैं, बड़े से हॉर्न होते हैं। तो दीज आर दी हिमालयन याक्स की बात की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए भारत में जैसे हमें पता हाई एल्टीट्यूड पर मिलते हैं तो हिमालयन रीजन, फिर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल, उत्तराखंड में आपको देखने मिल जाएंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि ये तो डोमेस्टिक की हम बात कर रहे थे, लेकिन जो वाइल्ड याक हैं वो हमें यूजुअली देखने मिलते हैं तिब्बत में। अगर हम बात करें तो इंडिया के अलावा आपको मंगोलिया और रशिया में भी ये देखने मिलेंगे। नेशनल रिसर्च सेंटर इनके लिए बनाया गया है, इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक इन 1989 एट दिरांग, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की। तो IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी का पार्ट है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 का पार्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 का पार्ट भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज द सिल्क सिटी नेटवर्क। क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए बेंगलुरु बन गया है इंडिया की ऐसी पहली सिटी to get into the list of the global network of silk cities, that is why we are reading it. तो ये सिल्क सिटी नेटवर्क है क्या? देखिए कि ग्लोबल नेटवर्क है 13 बेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग सिटीज का। याद रखिएगा किनकी बात करें, 13 बेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग सिटीज का, जिनकी सेम फिलॉसफी है, जो सिल्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेरीकल्चर को हेरिटेज मानते हैं कहीं ना कहीं। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु बन गया है इस नेटवर्क की इंडिया की पहली सिटी। सो देयर आर वेरी हिस्टोरिकल रीजंस कि बेंगलुरु को ही क्यों चुना गया। देखिए अगर आप देखेंगे तो जो इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन है वो हेल्ड किया गया था लियोन में इन 1950s और वही आया था बेंगलुरु में 2013 में। तो एक तो कनेक्टिविटी हमें यहाँ देखने मिल जाएगी। इसी के साथ बेंगलुरु देखिए सिलिकॉन वैली है इंडिया की, ठीक है। और इस जैसे हम लियोन की बात करते हैं तो इट इज अ बिग क्लस्टर ऑफ इनोवेशन एंड IT। इसी की वजह से जो बेंगलुरु की कनेक्टिविटी है 1950 के इस इनिशिएटिव के कारण बेंगलुरु को यहाँ पर इसमें पार्ट बनाया गया है। तो ये नेटवर्क क्या करेगा, हेल्प करेगा उन आर्टिशियंस को, क्राफ्टमैन को, ताकि वो अपना नॉलेज एक्सचेंज कर सके, ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश किए जा सके, सेरीकल्चर को प्रमोट किया जा सके और बचाया जा सके। चलिए आगे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दी सिल्क। और आपको पता है सिल्क के प्रोडक्शन के लिए ही हम सेरीकल्चर की बात करते हैं। इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन की बात करें तो एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंगेज करता है, डेवलप करता है सेरीकल्चर और सिल्क इंडस्ट्री को इन दी वर्ल्ड। 1960 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। आप देखेंगे तो यहाँ पर 21 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया इसका मेंबर है। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाता है जहां पर आइडियाज, नॉलेज, सेरीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है एंड इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। साथ ही अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेरीकल्चर इंडस्ट्री को प्रमोट करना, बढ़ाना, प्रोग्राम्स लाना, कन्वर्सेशन के प्रोग्राम लाना, साथ ही जो रूरल एरियाज हैं उनको प्रोटेक्शन करना, जॉब क्रिएशन के बारे में यहाँ पर बात करना, रिसर्च को प्रमोट करना, ठीक है, सिल्क से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, बायोलॉजिकल मॉडल है उसको बनाने के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। आगे बात करते हैं इंडिया और सिल्क का क्या संबंध है। देखिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का इन दी वर्ल्ड। तो पहला कौन है? पहला है चाइना एज यूजुअल, जो सिल्क रूट के लिए परेशान है। दूसरी बात करें इंडिया तो लार्जेस्ट कंज्यूमर है सिल्क का इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है। इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जहां पे जो 5 वेरायटी की सिल्क है वो पाई जाती है। 5 वेरायटी कौन सी है अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, मलबेरी, ओक्स आर, ट्रॉपिकल जार, मूगा एंड एरी। इंडिया ग्लोबल मोनोपोली लेके चलता है काय में। देखिए जो गोल्डन मूगा सिल्क होता है उसमें इंडिया की मोनोपोली आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब इंडिया से अच्छा प्रोडक्शन कोई और नहीं करता पूरी दुनिया भर में। आगे अगर हम बात करें तो इंडिया में भी साउथ इंडिया आपको एक लीडिंग प्रोड्यूसर देखने मिलेगा सिल्क वीविंग इनक्लेव्स का, जैसे आपको कांचीपुरम देखने मिल जाएगा, धर्मावरम और अग्नि देखने मिल जाएगा। वहीं आप एक और चीज फैक्ट याद रखेंगे, जो नॉन मलबेरी वेराइटी ऑफ सिल्क होते हैं वो वाइल्ड सिल्क होते हैं और इनको ही वानिया सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हमने कुछ टाइप के सिल्क देखे थे, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मलबेरी सिल्क या जिसे हम मैसूर सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोड्यूस होता है असम में और इसी को ही पाट सिल्क का नाम भी दिया गया है। तो मलबेरी सिल्क ही हमें क्या दिखाई देता है, पाट सिल्क का नाम दिखाई देता है। इसी को हम मैसूर सिल्क भी बोलते हैं। ये सॉफ्टेस्ट होता है और बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल फैब्रिक होता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो कर्नाटका लीडिंग स्टेट है जो मलबेरी को प्रोड्यूस कर रहा है। इसी के बाद आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर टुगेदर मिलके 92% ऑफ द कंट्रीज टोटल मलबेरी रॉ सिल्क को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। आपको देखिए डिस्ट्रीब्यूशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। सिंस मलबेरी प्रोड्यूस हो रहा है असम में, इसे पाट सिल्क के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो लीडिंग रीजन्स हैं वो याद रखना बेटा कि वो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द एरी सिल्क। एरी जो शब्द है ये असामी शब्द से लिया गया है, एरी, जिसका मतलब होता है कैस्टर। मतलब ऐसे सिल्क वॉर्म्स जो कैस्टर का प्लांट होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, वहां से इसको निकाला गया है। एरी सिल्क को पीस सिल्क के नाम से भी जाना जाता है या इसे ही अहिंसा सिल्क बोला जाता है, क्योंकि इसके प्रोडक्शन में जो सिल्क वॉर्म्स है उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। तो जो जैन कम्युनिटी है अगर वो किसी तरीके के सिल्क का यूज करती है, क्योंकि आपको पता है अहिंसा को वो प्रमोट करते हैं, तो किसी भी ऐसी चीज, वस्त्रों को तक ऐसे किसी कपड़े को वो नहीं पहनते जहां पर किसी जानवर के साथ हिंसा की गई हो। ऐसे में आप देखेंगे एरी सिल्क आपको वो पहने हुए दिखाई दे जाएंगे। आगे हम बात करें तो ये हैवी होता है, ड्यूरेबल होता है, मलबेरी सिल्क के मुकाबले ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो मेजरली ये हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही देखने मिलता है और चाइना और जापान के कुछ पार्ट्स में भी हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए, सो एरी सिल्क इज द ओनली कंप्लीटली डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म, आप याद रखिएगा बॉम्बेक्स मोरी के बाद। आगे आ जाते हैं मूगा सिल्क, जहां पे इंडिया का आप देखेंगे ग्लोबली इंडिया ने इस पे क्या कर रहा हुआ है, कंट्रोल किया है, मोनोपोली बनाई हुई है मूगा सिल्क की। जीआई टैग मिल गया है, इसे असम स्टेट में पाया जाता है, असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये देखने के लिए मिलता है। सेमी डोमेस्टिकेटेड है मूगा, बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होता है और बिल्कुल एकदम आप इसे देखेंगे ना तो ऐसे सोने जैसा चमकता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए हमने इसे गोल्डन सिल्क का नाम भी दिया था, याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट इज दी जार सिल्क। जार सिल्क की बात करें तो हम इसी को ही कोसा सिल्क भी बोलते हैं ना, हमने कई बार सुना होगा ना कोसा सिल्क। कोसा सिल्क इज दी जार सिल्क। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका पूरी दुनिया में, है ना। इंडिया और जापान इस तरीके की वेराइटी ऑफ सिल्क को बनाते हैं। ग्रीन सिल्क वॉर्म्स यहाँ पर क्या होते हैं, जार्क सिल्क के प्रोड्यूसर होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है, इसमें अपने आप का एक बहुत सुंदर सा नेचुरल गोल्ड कलर होता है। आपने जैसे कोसा के कपड़े अगर किसी ने देखे होंगे तो आप देखेंगे लाइट ब्राउनिश गोल्डन कलर उसमें दिखाई देता है। उड़ीसा में अगर आप देखेंगे तो यूज फॉर उड़ीसा पत्ता चित्र एंड वेस्ट बंगाल कांथा स्टिचेस। भागलपुर, भागलपुर सिल्क भी आप देखेंगे, भागलपुर सिल्क आपने नाम सुना होगा। बिहार और मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में आपको ये तरीके का सिल्क देखने के लिए मिल जाएगा। सो यहां तक आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। सिमलीपाल जो अपना नाम लेके आएगा ना वो सिल्क कॉटन या सिमुल से लेकर आएगा, जो यहाँ पर एक ट्री पाया जाता है, इसी को सिमुल या सिल्क कॉटन का नाम भी दिया गया है। ये आज की डेट में सिचुएटेड है ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये ईस्टर्न एंड और ईस्टर्न घाट्स, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न एंड और ईस्टर्न घाट है यहाँ पर इसकी सिचुएटेड हमें सिचुएशन देखने मिलेगी। इसको डेसिग्नेट किया गया है एज द टाइगर रिजर्व इन दी 1956 इटसेल्फ। अलोंग विद दैट इट ब्रॉट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 और इसे ही बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था 1944 में। इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2009। वहीं आप बात करेंगे तो यूनेस्को जो सिमलीपाल, कुडीड़ा, हाथगढ़ एलिफेंट रिजर्व, जिसको पॉपुलरली हम मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी बोलते हैं, ये उसका पार्ट भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइब्स यहाँ पर कौन सी मिलती है, तो देखिए एक तो मिलेंगी एरेंगा खारियास और मन की राडियास, ये दोनों ट्राइब्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाती हैं, जो यहाँ पर इनहैबिट करती हैं रिजर्व फॉरेस्ट और प्रैक्टिस करती है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, सीड्स और टिम्बर्स को कलेक्ट करने का वो काम यहाँ पर करेंगी। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, जैसे टाइगर, एलिफेंट्स, क्योंकि हमने बिग कैट्स के बारे में बात किया है इसीलिए आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज द लॉस एंड डैमेज फंड, एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए समझते हैं लॉस एंड डैमेज फंड। कॉप 27 ने एस्टेब्लिश किया है, याद रखिएगा कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है, कॉप 27 में, लॉस एंड डैमेज फंड फॉर द क्लाइमेट रेपरेशन। क्या किया जा रहा है, देखिए इसको रेफर किया जा रहा है जो कॉस्ट है जो रिच कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज ने, हु आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल एमिशन, जिन्होंने किया और उनके एमिशन की वजह से जो डेवलपिंग नेशंस है, जो इसकी इस पॉल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, जो पुअर नेशंस है जो इससे सफर कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से सफर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वहां पे जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं इस तरीके के क्लाइमेट इवेंट चेंजेस से, उनको कंपनसेट करने का काम कौन करेगा, ये डेवलप्ड कंट्रीज और रिच कंट्रीज यहाँ पर काम करेंगी। सो दे ऑल्सो इंक्लूड नॉट ओनली इकोनॉमिक डैमेज टू प्रॉपर्टी बट ऑल्सो द लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड द साइट्स हैव कल्चरल इंपॉर्टेंस। अब आप देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, रिजल्टेड इनटू बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं, बहुत सारे जो नेशंस हैं, आप देखिए वहां पर क्या होते जा रहा है, ये डिस्ट्रॉय होने वाले प्रेडिक्शन हो गए हैं, है ना। जैसे इंडोनेशिया में आपको पता है जावा सुमात्रा का केस, उसी तरीके से आप सूडान की देखेंगे, सूडान बेसिन की अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो लगातार श्रिंक होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज है इन्होंने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किया हुआ है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज इन्होंने लगाई हुई है, रिजल्टेड इन टू व्हाट, इनके पॉल्यूशन और इमिशन की वजह से ना केवल क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा है बल्कि जो लोगों की लाइवलीहुड है वो, मान के चलिए कोई फिशिंग पे डिपेंडेंट है, कोई बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है, उसको भी नुकसान पहुंचा है, उसका कंपनसेट करने का काम ये करेंगी, ठीक है। चलिए एक्सपेक्टेड यहाँ पर जो मॉनेटरी कंपेंसेशन लगाया गया है एलएनडी फंड का, दैट इज अप्रोक्स $500 बिलियन। आगे बात करते हैं कि एक देखिए एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म आप याद रखिएगा जिसका नाम है वॉरसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म पहली बार लॉस एंड डैमेज सेटअप 2013 में करेगा एंड वाज द फर्स्ट फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड टू कंपनसेट डेवलपिंग कंट्रीज स्टक बाय द क्लाइमेट डिजास्टर। तो पहली बार वॉरसॉ जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है वहां पर 2013 में इसकी बात की गई थी। COP 27 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज जो कि कहां पर हेल्ड होगा, यूएई 2023। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की बात करी थी तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है 1994 में आया था जो कि बोलता है ले डाउन द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ द ग्लोबल एफर्ट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज, एक्नॉलेज द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन। और ये क्लियर करता है कि जो रिच कंट्रीज हैं दे मस्ट प्रोवाइड, ध्यान दीजिए, इट मस्ट प्रोवाइड, दे मस्ट प्रोवाइड बोथ द फाइनेंशियल एंड द टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी टू द डेवलपिंग नेशन टू हेल्प टैकल द क्लाइमेट चेंजेस। अब देखिए आपने तो डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करना है, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं हम तो बायोफ्यूल्स का यूज करने वाले हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दी कंट्रीज, जो हमारे डेवलपिंग नेशन, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फंड की आवश्यकता है। ऐसे में जो रिच कंट्रीज हैं, दोज हु ऑलरेडी हैव टेक्नोलॉजी, दोज हु ऑलरेडी हैव मनी, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे मस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प दीज कंट्रीज की ये क्या कर सके, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए अपना योगदान दे सके, ठीक है। हालांकि जब हम UNFCCC की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई L&D फंड के बारे में बात नहीं की गई थी, वो 2013 में हमने पहली बार देखा और फाइनली COP 27 में R&D फंड को लेकर आया गया। 2009 में डेवलप कंट्रीज थी, उन्होंने एग्री किया था हालांकि एक तरीके से कि वो प्रोवाइड करेंगी $100 बिलियन एवरी ईयर फ्रॉम 2020 टू हेल्प दी डेवलपिंग नेशंस। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे अब एल&डी फंड ही आ गया है जिसमें इसको रखा जाएगा और अकॉर्डिंग टू द डैमेज इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंट्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं इज दी घर। चलिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है घर, विच स्टैंड्स फॉर गो होम एंड री यूनाइट पोर्टल। ठीक है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जिसे हम 20 नवंबर को मनाते हैं उस पर इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने इसे लॉन्च किया है। इनका पर्पस क्या है? जो पोर्टल है वो रिस्टोरेशन करेगा चिल्ड्रंस के लिए, ये प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन ऑन द चिल्ड्रन फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट, ताकि जो प्रोसेस है, ऐसे जो बच्चे कहीं खो जाते हैं इनको जो मिलाने की जो पूरी प्रोसेस है सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर आ सके, ट्रैक किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके बच्चों को जो कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं और जिनको रिपार्टेशंस की करने की जरूरत है किसी दूसरी कंट्री, किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में, जिनके बारे में बात की जा रही है। केसेस अगर किसी बच्चे से रिलेटेड हैं, जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड हैं, बोर्ड से रिलेटेड हैं, या कोई भी ऐसा केस उसे बहुत इजी ट्रांसफर किया जा सके इन कमिटीज को, इन बोर्ड्स को, ताकि स्पीडी ट्रायल की जा सके। वहीं गवर्नमेंट की जितनी इम्प्लीमेंटेड स्कीम है उन्हें भी इस पोर्टल पर अपलोड करना, सो दैट जो रेस्टोरेशन के जब प्रोग्राम किए जाएंगे सो जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो इन सारे प्रोग्राम्स को, इन स्कीम्स को लिंक कर सकती है, बता सकती है उस पर्टिकुलर फैमिली से, उस पर्टिकुलर बच्चे की फैमिली से, ताकि उस बच्चे का क्या किया जा सके, बहुत आसानी से उसको इन स्कीम्स का फायदा दिलाया जा सके। ठीक है, चलिए अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमने 2015 की बात कर ली, जेजे एक्ट, तो याद रखिएगा जेजे एक्ट 2015 में लाया गया। आप याद रखेंगे इसके पहले जब तक निर्भया इंसिडेंट नहीं हुआ था उसके पहले हमारे यहाँ 18 साल से नीचे का कोई भी जो बच्चा था अगर वो किसी भी तरीके को कोई क्राइम करता है, नो मैटर वेदर इट इज द हीनियस क्राइम, नॉर्मल क्राइम और एक मीडियम इंटेंसिटी का कोई क्राइम है, उसे एक बच्चे की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाता था। जेजे एक्ट के आने के बाद सेक्शन 15 यहाँ पर लाया गया और जिसने बात की गई केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट, और इसने जो पुराना जुवेनाइल डिलिक्वेंसी लॉ था उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, वो बोला गया 16 से 18 साल का अगर कोई बच्चा है और वो किसी हीनियस क्राइम में इंडल्ज हो जाता है तो अ कमेटी विल बी एस्टैब्लिश्ड जो डिसाइड करेगी, वो डिसाइड करेगी कि इस बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो क्या है। क्या इसको पहले से पता था कि इस तरीके के क्राइम करने से इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये कमेटी कंसिस्ट करेगी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो लोग हैं वो इसका पार्ट होंगे, मजिस्ट्रेट आपको इसका पार्ट देखने मिलेंगे, एंड फाइनली दे विल डिसाइड, दे विल असेस, इनका काम है असेसमेंट करना, एंड देन दे विल डिसाइड कि किसी भी बच्चे को हीनियस क्राइम करने पर या किसी भी तरीके का जो उसने क्राइम किया है तो इसे एज ए जुवेनाइल ट्रीट किया जाना है या इसका जो ट्रायल है वो एज ए अडल्ट किया जाएगा। ठीक है, और स्पेशली 16 से 18 साल के अगर कोई बच्चे हैं जो हीनियस क्राइम जैसी कैटेगरी जिन्हें रखी गई है, ठीक है, उसमें इन्हें क्या किया जाएगा, एज ए अडल्ट ट्रायल किया जाएगा। चलिए, हाँ, साथ ही आप याद रखिएगा जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है जिसे हम कारा भी बोलते हैं वो इसकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम करती है फॉर अडॉप्शन ऑफ द रिलेटेड मैटर्स। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2021। तो ये क्या बात कर रहा है, जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है दैट अलाउ इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 7 years विल बी कंसीडर, दोज आर नॉन कॉग्निजेबल, दैट मीन्स कोई भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता वारंट के बिना। आपको पता होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, ऐसे ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द कन्विक्ट विदाउट अ वारंट and can start an investigation without the authorities of the court, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में ऐसा नहीं होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस आर सीरियस सच एज किडनैपिंग, थेफ्ट, डाउरी, डेथ, रेप, मर्डर एटसेट्रा। सो यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं कि वहां पे किसकी जरूरत नहीं है, वारंट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जुवेनाइल जस्टिस में से नॉन कॉग्निजेबल की कैटेगरी में रखा गया है। इसकी वजह से होगा क्या, जो बच्चे की जब हम बात करी जा रहे हैं उनके लिए प्रोटेक्शन और अडॉप्शन की जो स्पीड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई हमें नजर आएगी और अडॉप्शन के जो पावर्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इन द हैंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इटसेल्फ। चलिए आगे बात कर लेते हैं पश्मीना शॉल्स के बारे में। पश्मीना शॉल्स, छत्तीसगढ़, इन सब की बात करते हैं कि क्या है ये। देखिए जो पश्मीना शब्द है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड पश्म, जिसका मतलब होता है वीबल फाइबर या जिसे हम प्रिसाइजली वूल भी बोलते हैं। ये पश्मीना को ही देखिए एक और टर्म दिया गया है सॉफ्ट गोल्ड, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। सर्दियों में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में आपको लोग दिखाई देंगे वो पश्मीना का इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रीमली वेरी कॉस्टली इट इज, ठीक है। इसको एक जीआई टैग भी दिया जा चुका है, कहाँ से इसका जो ओरिजिन आप देखेंगे वो आपको जम्मू कश्मीर में दिया जाता है। ये जो वूल है इसका यूज किया जाता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, शॉल्स बनाने में या गर्म कपड़े बनाने में। और ये जो हेयर्स हैं, ये जो पश्मीना शॉल है इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम दी चांगथांगी गोट्स, जिन्हें कैपरा हिरकस भी बोला जाता है, जो कि डोमेस्टिकेटेड है लद्दाख में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पश्मीना शॉल बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। कस्टम ऑफिशियल्स को क्या हुआ, इनको पता चला जो पश्मीना शॉल है इसके अंदर शहतूश गार्ड के भी हेयर मिले, जो कि बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड कैटेगरी का पार्ट है। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कुछ ऐसी भी इंसिडेंट देखने मिले जहाँ पश्मीना शॉल में जो शहतूश गार्ड है उनके भी जो फर हैं वो देखने के लिए मिल गए थे, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। आगे बात कर लेते हैं शहतूश, समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ये एक फाइन अंडरकोट फाइबर होता है जिसे ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम दी तिब्बतन एंटीलोप। यही है जिसे हम चिरू के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी स्पीशी जो रहती है मेनली नदर्न पार्ट ऑफ दी चांगथांग प्लेट्यू इन दी तिब्बत, ठीक है। हाई लेवल की स्मूथनेस होती है, वार्मथ होती है। अगर हम बात करें तो नियरली थ्रेटेंड की कैटेगरी में चिरू आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनके बालों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि शहतूश गार्ड की जो हम बात कर रहे थे इसका जो इस्तेमाल है वो प्रोहिबिटेड है। तो साइट्स के कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये इंक्लूड करती है तिब्बतन एंटीलोप को, ठीक है, कि प्रोहिबिशन है सेल और ट्रेड ऑफ दी शहतूश शॉल एंड दी स्कार्व्स अंडर दी साइड्स। IUCN की बात करें तो नियरली थ्रेटेंड कैटेगरी में है। तो आप याद रखेंगे शहतूश क्या है, कहाँ से मिल रहा है, तिब्बतन एंटीलोप, जिसे लोकल भाषा में क्या बोला जाता है, चिरू बोला जाता है, जो कि नियरली थ्रेटेंड और साइट्स की कैटेगरी में आप बात करेंगे तो एंडेंजर्ड कैटेगरी का पार्ट है। तिब्बत में आपको ये देखने मिलेंगी, कहाँ पर, चांगथांग प्लेट्यूज में। चलिए नेक्स्ट इज दी नासा का डार्ट मिशन। डार्ट की अगर हम बात करें तो आप पहले तो इस इमेज को देख लीजिए, ये डिडाइमस 1 है और ये है डिडाइमस, इसको B लिख लेते हैं, इसको A, अभी इसको देख लीजिएगा, बस इतना ही हम अभी इसको समझेंगे ये है क्या। ये एक स्पेसक्राफ्ट है हमारी, है ना, बस इसी को समझना है, यही है हमारा डार्ट मिशन। चलिए समझते हैं क्या। ये एक लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट है जो कि प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। होता क्या है, डार्ट इज विल बी द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक टू चेंज द मोशन ऑफ द एस्टेरॉयड इन द स्पेस। व्हाट इट विल डू, ये इसको इम्पैक्ट करेगा और जो इसका ऑर्बिट है ये इसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, इट विल डिस्ट्रॉय, है ना, यही डार्ट का काम है। तो ये जो मिशन है इसको टेस्ट किया गया एक नई टेक्नोलॉजी की तरह प्रिपेयर करने के लिए कि भाई कल को कोई जो एस्ट्रॉइड है अगर वो हमारी अर्थ को हिट कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से उनसे निपटा जा सकता है। तो इसका एम मैंने आपको बता दिया, क्या करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना दैट वुड अलाउ अ स्पेसक्राफ्ट टू क्रैश इनटू एन एस्ट्रॉइड एंड चेंज इट कोर्स। दूसरी अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का आप देखेंगे सुसाइड मिशन की तरह काम करता है। एंड द स्पेसक्राफ्ट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ये जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी तरीके से। सो टारगेट यहाँ पर क्या है, जो स्मॉल मूनलेट कॉल्ड डायमोफोस है, जिन्हें ग्रीक में टू फॉर्म्स भी बोला जाता है। डायमोफोस ऑर्बिट एक लार्ज एस्ट्रॉइड का नेम है जिन्हें हम डिडाइमस भी बोलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर इमेज में दिखाए थे। इनको यहाँ पर क्या किया गया है, इनके ऊपर इसे टेस्ट किया गया है, ठीक है। चलिए डिडाइमस के नाम आपको पता हो गया। दूसरी हम बात करें कि एस्ट्रॉइड्स को हम प्लैनेट क्यों नहीं बोलते। देखिए एज पर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 1914 किसी भी प्लैनेट को किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्लैनेट का बोल सकते हैं जब एक रॉकी बॉडी इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहले तो ये क्या करे, ऑर्बिट करे सन का। दूसरा, इट शुड बी मैसिव इनफ टू एक्वायर एन अप्रॉक्स स्फेरिकल शेप। थर्ड, इट हैज टू क्लियर इट्स ऑर्बिट लाइक टू बी ऑब्जेक्ट एंड इवर्ट मैक्स ग्रेविटेशनल पुल विद इन दी ऑर्बिट। और यही कारण है कि थर्ड कंडीशन को कौन नहीं फुलफिल कर पा रहा था, प्लूटो, और उसके बाद इसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। चलिए, नेक्स्ट इज द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। चलिए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसको स्टार्ट किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको इनिशिएट किया गया था 2020 में बाय द, इंस्पायर होकर बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टू सीक्वेंस 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स एंड क्रिएट अ डेटाबेस। पर्पस की बात करें तो एक डेटाबेस प्रिपेयर करना किसके लिए, इंडियन जीनोम्स का, मींस ताकि क्या किया जा सके, रिसर्च किया जा सके कहीं पर भी बैठ के जेनेटिक वेरिएंट्स के बारे में जो अपने आप में यूनिक होते हैं। और इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रुप है उसका यहाँ पर क्या किया जा सके, यूनिक है, कस्टमाइज्ड ड्रग्स और थेरेपीज के लिए क्या किया जा सके, यहाँ पर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को लाया गया है। इसमें लगभग 20 इंस्टीट्यूट को कोलैबोरेट किया गया है, जिसमें आपको IISc बेंगलुरुस और IITs भी देखने के लिए मिलेंगे। एक ग्रिड सिस्टम बनाना है जीनोम का इंडिया डेटाबेस को यूज करते हुए, ताकि हम जो हमारी हेल्थ केयर है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, उसमें डेवलपमेंट कर सकें, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन लोगों के लिए बना सकें और मैपिंग कर सकें लोगों के DNA स्ट्रक्चर को। चलिए, नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट इज जीनोम। देखिए, जीनोम एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट, growth and function of all living organism that composed of DNA with a sequence of chemical base that determines an organism characteristic। ठीक है, इसी के साथ आप याद रखेंगे DNA की जब हम बात करते हैं और तो देखिए ये एक मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को फॉर आवर डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हमें पता है DNA का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, हमें देखने के लिए मिलता है DNA का स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमारी पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारा पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारे हेयर का कलर क्या होगा, हमें कौन सी बीमारियां हो रही हैं या किस तरीके की को हमारा हेल्थ सिस्टम है, वो पूरी चीज़ें हैं वो यहीं से डिसाइड होकर आती हैं। अगर हम DNA के स्ट्रक्चर की बात करें तो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में सबसे पहले इसकी खोज की थी। चलिए, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें, ये क्या होता है। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग इज फिगरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ द DNA न्यूक्लियोइड्स और बेस इन द जीनोम इन ऑर्डर ऑफ द लाइक एडेनिन, थाइमिन, सिस्टोसिन एंड गुआनिन। इनके पूरा जो भी ऑर्डर है DNA न्यूक्लियोइड्स का, उनको देखना, दैट मेक अप द ऑर्गेनिज्म DNA, इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने प्रपोज किया है कि वो अरोमा डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप को इनॉग्रेट करेंगे ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके, और उसी के तहत यहाँ पर अरोमा मिशन को लेकर आया गया है। ठीक है, इसी को ही लैवेंडर या पर्पल रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। शुरू कहाँ से किया गया था, जम्मू कश्मीर से किया गया था। काम क्या है, जो कल्टीवेशन है अरोमेटिक क्रॉप्स का, जो एसेंशियल्स ऑयल होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है अरोमा इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में बात कर ले, ब्यूटी इंडस्ट्री में बात कर ले, उसका प्रमोशन यहाँ पर करना ताकि जो इंडियन फार्मर्स हैं वो एक नए तरीके का रिवॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ सके और ग्लोबल लीडर इंडिया इस केस में बन सके। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो देखिए CSIR जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, वो लखनऊ इसकी नोडल लेबोरेटरी के रूप में काम करेगा, है ना। अब वही हमने देखे पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में भी बात करी थी। लेट्स टॉक अबाउट द पर्पल रिवॉल्यूशन हियर आल्सो। पर्पल या लैवेंडर रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द CSI अंडर द अरोमा मिशन। ठीक है, अभी हम अरोमा मिशन के बारे में बात कर रहे थे। काम क्या है स्पेसिफिकली, ये देखिए पर्पल या लेवेंडर रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। दैट मींस लेवेंडर की कल्टीवेशन को जम्मू और कश्मीर में बढ़ाना, ताकि जो इंडियन एरोमेटिक क्रॉप्स है, जो इकोनॉमी है, उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SIDs। रिसेंटली हुआ क्या है, जो एक टीम है, रिसर्चर्स की टीम है ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो बायोकेमिकल है BCHE, ठीक है, उसका जो कंटेंट है या वो क्या ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से सडन डेथ सिंड्रोम जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। रिसर्चर्स ने ड्राई ब्लड स्पॉट्स को यहाँ पर यूज किया जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स थे उनका लेकर, और इस सैंपल की मदद से इन्होंने आइडेंटिफाई किया है BCHE प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पहले समझ लेते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या है SID, और उसके बाद BCHE को समझेंगे। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक अनएक्सपेक्टेड डेथ है जो कि यूजुअली आपको एक किसी भी हेल्दी इन्फेंट में देखने मिल जाएगी। बच्चा सो रहा है और सोते सोते अचानक से उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी सांस रुक जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही रेयर केसेस है जहां पर क्या देखने मिलेगा कि बच्चे के जगते हुए उसकी डेथ हो। इसी वजह से इसको कॉट डेथ भी बोला जाता है। अब देखिए SIDs के हालांकि कोई नोटिसेबल रीजंस नहीं है, लेकिन एज पर द साइंस, एज पर द रिसर्च, जो पेरेंट्स हैं, अगर स्पेशली मदर और फादर दोनों की यहाँ पर बात की जा रही है व्हेन आई एम सेइंग द पेरेंट्स हियर, ये ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी या जब कंसीव करने के लिए अगर इफ दे आर प्लानिंग, तो उसके कुछ साल पहले तक इन्हें, उसके कुछ महीनों पहले से इन्हें जो सिगरेट या स्मोकिंग है उसको कम से कम कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो बच्चा है उसमें SID के चांसेस कम होंगे। अलॉन्ग विद दैट कि ये इंश्योर करना कि बच्चे को उसके पीठ के सहारे, बैक के सहारे सुलाया गया है रादर देन ऑन द सपोर्ट ऑफ द चेस्ट। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट का बोलना भी ये है कि अगर आप देखेंगे कि इन्फेंट का जो ब्रेन है वही कई बार क्या करता है, जो ब्रीदिंग और वेकिंग अप को कंट्रोल करता है वो इसको नहीं कर पाता, जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है दैट इज BCHE। चलिए समझ लेते हैं BCHE आखिर है क्या। देखिए ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक तरीके से सिग्नल्स पहुंचाने के लिए, जिसकी वजह से बच्चा जागता है, सर उठाता है, घुमाता है, सांस लेता है, रोता है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरीके से पार्ट है ऑफ दी ऑटोनॉमिक सिस्टम, जो कंट्रोल करता है बच्चे का ब्लड प्रेशर, उसका ब्रीदिंग, उसका मूवमेंट ऑफ दी हेड, ये सारी चीजें इसे कंट्रोल करता है। सो जो स्टडी की गई है उसने बताया जिन भी बच्चों में अगर ये देखा गया है कि उनको क्या हो रहा है, उनकी जो डेथ हो रही है सडनली, उनके अंदर आप देखेंगे तो जो BCHE के लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम देखने के लिए मिली है। ठीक है, अब माना जाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए इसमें हालांकि अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा खास जानकारी नहीं है, देन इस तरीके की बातें भी बोली जा रही है। इफ नोटेड दैट सेवरल अदर फैक्टर्स एंड चेंजेस इन द फर्स्ट 6 months ऑफ इन्फेंट लाइफ कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू लो लेवल्स ऑफ दीज एंजाइम्स। बेबी हैव अ वेरी पावरफुल मैकेनिज्म टू लेट अस नो व्हेन दे आर नॉट हैप्पी, लाइक इफ द बेबी इज कन्फ्रंटेड विद अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन सच एज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप बिकॉज ऑफ दे आर ऑन देयर टमीज, दे विल arouse, they will start crying. So rather than ignoring it, rather than making them sleep on their stomach again, grab them, rub their back and they'll be completely fine. So this is something about this topic. Chaliye, next is the xenotransplantation. xenotransplantation क्या होता है जी? xenotransplantation की जब हम बात करें तो ये involve करता है transplantation of the नॉन ह्यूमन टिश्यू और ऑर्गन्स इनटू ह्यूमन रेसिपिएंट्स। ठीक है, कैसे? लाइक आप देखेंगे ट्रांसप्लांटेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इन्फ्यूजन ऑफ द ह्यूमन रेसिपिएंट और आइदर लाइक लाइव सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स फ्रॉम ए नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स, या फिर ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स, सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स दैट हैव एन एक्स वीवो विच मीन्स द आउटसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी, ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद द लाइव non-human animal cells, tissue or the organs. So xenotransplantation आप यहाँ पर समझ के क्या है, जैसे पिग के सेल से उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या किया गया, न्यूक्लियर ट्रांसफर इनका किया गया, इनकी क्लोनिंग की गई। ठीक है, क्लोनिंग के बाद क्या हो जाएगा, जीनो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, लाइक कोई ऑर्गन बनाया जा सकता है, कोई डिवाइस का टिश्यू बनाया जा सकता है, कोई सेल बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर हर्ट बनाया गया था, है ना। तो यही क्या है आपका जीनो ट्रांसप्लांटेशन। आगे अगर हम बात करें कि पिग्स ही सबसे ज्यादा सूटेबल क्यों माने जाते हैं, आज की डेट में जितने भी ज्यादा जीनो ट्रांसप्लांटेशन किए गए हैं उसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पिग्स को यहां पर इस्तेमाल किया गया है। ऐसा क्यों? जी ऐसा इसीलिए होता है, कंडीशन समझिए कि पिग्स ऑफर करते हैं एडवांटेजेस ओवर primates for organ procurement because they are easier to raise and achieve adult human size in 6 months, ठीक है। Then large litter होता है। Pigs could also provide an unlimited supply of organs, tissue and cells. Along with that, इनका जो organs होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा similar होते हैं human organs in respect of the anatomy as well as the physiology. Also जो procine components होते हैं, those are the most tuned for genetic engineering. From a sufficient scientific viewpoints, pigs are genetically modifiable to reduce the chances of the rejection by the human bodies. और आपको पता है इसी वजह से आप देखेंगे कि जो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, जो जीनो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था एक पिग हार्ट का इनटू द ह्यूमन, वो लगभग 2 महीने यहाँ पर क्या हुआ था, जीवित रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज एल्बिनिज्म इन द वाइल्ड डॉग डॉक्यूमेंटेड एट कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हुआ क्या है, एल्बिनिज्म को समझ लेते हैं। आप कई बार देखेंगे जो आपको कलर नहीं दिखाई देगा, है ना। सो एल्बिनम इज द रिजल्ट ऑफ द सेल्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस मेलानिन, जिसकी वजह से कोई पिगमेंटेशन नहीं दिखाई देता, कोई कलर नहीं दिखाई देता, जिनकी वजह से आप देखेंगे कलरलेस स्किन दिखाई देंगी, आईज हेयर बिल्कुल कलरलेस दिखाई देंगे, है ना। अब those who are suffering with the albinism वो vulnerable होते हैं सन एक्सपोजर से, ठीक है। इसकी वजह से आप देखिए स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट जैसी कंडीशन भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये पहली चीज है जो आप याद रखेंगे। अब देखिए होता क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ द मेलानिन बेसिकली अकर्स विद इन मेलानोसाइट्स, याद रखिए। That is a specialized cell that are present but not fully functional in albino mammals, ठीक है। तो ये जो सेल है मेलानोसाइट्स, ये सेल इन मैमल्स में एब्सेंट होता है या बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। सो दिस कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द जीन्स that codes for an enzyme that is responsible for the conservation of the tyrosine to the melanin, जो कि एक तरीके का टाइप है। एंड अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन इन आवर बॉडी डिटरमाइंस द कलर ऑफ आवर स्किन, आवर आईज, आवर हेयर, ठीक है। और जो हमारे जो ऑप्टिक नर्व्स है उसके डेवलपमेंट में भी काम करता है। तो जो डिफेक्ट हमें मेलानिन प्रोडक्शन में देखने के लिए मिलता है उसी की वजह से ये जो कलर है स्किन, हेयर और इस सब में भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो जो एल्बिनिज्म है ये एक एग्जाम्पल है प्लेट्रोपी का, जो कि यूजुअली कॉज होता है बाय द सिंगल जीन म्यूटेशन बट विल शो मल्टीपल न्यूमेटिक इफेक्ट्स आल्सो। साथ ही याद रखिएगा 13 जून को एल्बिनिज्म डे भी बनाया जाता है। नेक्स्ट जो ढोल हैं जो आपको देख रहे थे यहाँ पर इमेज में, जो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इनमें इसको नोट किया गया है। तो ढोल की भी बात कर लेते हैं। ढोल को ही क्यून एल्पिनियस भी बोला जाता है। ये वाइल्ड कॉर्निवोरस है जो कि आपको मेंबर दिखाई देंगे कैनेडिया और क्लास मैमेलिया के। इनको ही हम एशियन वाइल्ड डॉग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये इंडिया में 3 क्लस्टर्स में आपको देखने मिलेंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में, सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंसी में पाए जाते हैं। अगर हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN की एंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 2 और साइट्स अपेंडिक्स 2 का ये पार्ट है। चलिए नेक्स्ट इज दी, जो हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में जब हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था चार्ट बेसिन के बारे में। देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से आप जो चार्ट बेसिन देखेंगे ये रिड्यूस होता जा रहा है। कैसे देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए जो चार्ट है ये लोकेटेड है सहेल में, जो कि वास्ट सेमी एरिड रीजन है ऑफ दी साउथ ऑफ दी सहारा डेजर्ट। ये जो बेसिन है ये कवर किया जाता है बाय दी 4 कंट्रीज। पहले तो आपको चार्ट दिखाई देगा, ये है लेक चार्ट, देन आपको नाइजीरिया दिखाई दे जाएगा, नाइजर दिखाई दे जाएगा और आपको कैमरून दिखाई दे जाएगा। एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये एक एंड्रोहिक लेक है जो फेड करती है बाय दी चहारी रिवर थ्रू द लगून ट्रिब्यूटरी। आगे अगर हम बात करें तो इसका श्रिंकिंग हमें इसकी देखने मिल रही है लगातार, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। लगभग 10 मिलियन से ज्यादा भी जो लोग हैं यहाँ पर इमरजेंसी आ गई थी, पानी की कमी हो गई थी, ठीक है, उसकी वजह से आप देखेंगे 3 मिलियन से ज्यादा लोगों को यहाँ पर डिस्प्लेस होना पड़ा और एडिशनली आप देखेंगे 11 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पर क्या होना पड़ा, इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना पड़ा। जो लेक चाड है वो एक अफ्रीका की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि श्रंक हो गई है आज के डेट में 90%। मतलब आज से पहले अगर आप 1970s के पहले की बात करेंगे सो ये बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही ज्यादा विस्तृत थी, लेकिन आज इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। क्लियर? तो आप ये दो चीजें याद रखेंगे कि ये एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ है, सहेल में, सहारा डिस्ट्रिक्ट की डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं, और किन 4 कंट्रीज से ये घिरा हुआ है, जहां से सवाल मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट कैल फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, डिक्लाइन नोटिस किया गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कैल फॉरेस्ट है उनमें। अब कैल फॉरेस्ट होते क्या है, देखिए अंडर वाटर जो इकोसिस्टम होता है, ये जो आप अंडर वाटर इकोसिस्टम यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं जो कि शैलो वाटर के आसपास आपको देखने मिलता है, बहुत डेंस ग्रोथ होती है, बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने मिल जाएंगी यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की, इसको इन्हीं को हम कैल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये लार्ज ब्राउन एल्गे होती है, जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा गोल्डन ब्राउन कलर की, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है, यूजुअली शैलो वाटर्स में ये पाए जाते हैं, शोर के लगभग आसपास होते हैं, और इनका डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं हमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को भी दर्शाता है। तो ये बहुत ही ये सी फ्लोर्स के कनेक्टेड होते हैं और इवेंचुअली ग्रो करते हैं ऐसी जगह पर जहां पर सनलाइट आती हो। क्यों? क्योंकि ये अपनी फूड के लिए, फूड जनरेशन की सनराइज पे ये डिपेंडेंट होते हैं, और इसी की वजह से आप देखेंगे तो इनके लिए शैलो वाटर, ठीक है, शोर एरिया, क्लियर वाटर, अलॉन्ग विद दैट ऐसी जगह जहां पर सनलाइट आ रही हो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये करते क्या है, ये बहुत सारी जो स्पीशीज होती हैं, फिशेज होती हैं, उनके लिए एक घर प्रोवाइड करते हैं, और इनका डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। अगर हम इनके आज के डेट में देखें, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जहां पर ज्यादातर आपको ये दिखाई देंगे तो वो ये रहे कुछ इमेज में, आप कैल फॉरेस्ट देख सकते हैं, जो भी एरिया ग्रीन कलर से मार्क आउट है, लाइक दिस नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, ये कैल फॉरेस्ट का एरिया है, और आप देखेंगे इसका इतना क्षेत्र यहाँ पर खत्म ही हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कैल फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। इंडिया में आपको ऐसा कुछ खास सिस्टम नहीं देखने मिलेगा। नेक्स्ट आपको सेंट्रल चिली के आसपास देखने मिल जाएंगे, देन अगुलास बैंक के पास आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया के पास आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दीज आर दी कैल्प फॉरेस्ट, जो कि हैबिटेंट होते हैं बहुत सारी बर्ड्स के लिए, बहुत सारी फिशेस के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये फूड सोर्स का भी काम करते हैं मरीन क्रिएचर के लिए, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट 60% ऑफ द कार्बन फाउंड इन द कोस्टल इनवर्टिब्रेट्स। ओके, चलिए लास्ट टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, विच इज दी भारत ओएस। आपको पता होना चाहिए भारत ओएस है क्या। चलिए भारत ओएस की बात करें तो एक इंडिजीनियसली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भारत ओएस के नाम से आप याद रखेंगे भार ओएस, दैट इज इंडिजीनियसली, भार से आप भारत याद रखेंगे, ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे डेवलप किया गया है बाय दी जैनडी के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंक्यूबेटेड है एट दी आईआईटी मद्रास, और इसे फंडेड किया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सिमिलर टू जैसे एंड्रॉइड और आईओएस आपको देखने मिलते हैं वैसा ही, जो कि बेस्ड करता है एओएसपी पे, विच इज द एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। अब होगा क्या, and does not use any Google apps or the services. इसका minimalistic home screen है with the Indian flag, list है apps की categorize की, selection है app का that have passed the OS trust and the security standard, जिसकी वजह से आप limited ही इनको यहाँ पर use कर सकते हैं, आपको अलग से Play Store से जाके कोई app download करने की आवश्यकता नहीं होगी। It will also employ the private app store services system to examine and क्यूरेट एप्स दैट आर सेफ फॉर द यूजर्स, जहां पे डेटा चोरी होने, फोन के हैक्स होने जैसे चांसेस नहीं रहेंगे। सो जैसे हमने एक वर्ड यहाँ पर यूज किया था नोटा, या फिर अगर हम इसके करंट स्टेटस की बारे में बात करें तो ये जो सिस्टम है ये एनेबल करता है स्मार्टफोन यूजर को टू इंटरेक्ट विद देयर डिवाइसेस and access their feature while also ensuring their safety. Current status की बात करें तो the current version of the Bharat OS includes the third-party apps like DuckDuckGo आप देखेंगे and the Signal by default. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नोरोवायरस की। नोरोवायरस जिसे हम विंटर वॉमिटिंग बग के नाम से भी जानते हैं, क्यों होता है ये? वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, इसीलिए हम इसे विंटर वॉमिटिंग बग भी बोल देते हैं। यूजुअली ये ग्रुप है वायरसेस का जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रोटेंशियल इलनेस देखने मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन क्रिएट कर देता है स्टमक लाइनेज में जिसकी वजह से आप देखेंगे इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से डायरिया, गैस, एसिडिटी, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। नोरोवायरस की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा जो डिसइंफेक्ट्स होते हैं उनके लिए एक तो ये रेजिस्टेंट हो गया है, हाई टेम्परेचर पे भी ये खत्म नहीं होता, दैट मीन्स बॉइलिंग वाटर एंड दी अदर थिंग में भी ये सर्वाइव कर जाता है। हैंड सैनिटाइजर्स या अल्कोहल रबिंग जैसी चीजों में भी ये बहुत आसानी से क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। इसी की वजह से आप देखेंगे किसी भी एज ग्रुप के जो लोग हैं, चाहे आप बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, वो इससे बहुत आसानी से सफर कर जाते हैं। इसके जो यूजुअली हम अगर इसके साइंस की बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स हैं तो डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक जैसी गैस्ट्रोटक प्रॉब्लम्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज द येलो बैंड डिजीज। येलो बैंड डिजीज क्या है? ये एक तरीके का किलिंग कोरल सिस्टम है, जैसे कोरल ब्लीचिंग हो जाती है ना, एंड इट इज द इरिवर्सिबल, बस वही है येलो बैंड डिजीज, वैसा ही एक सिस्टम। थाईलैंड में देखा गया है कि बहुत ज्यादा बड़े जगह पर कोरल्स के ऊपर ये ऐसा गोल्डन कलर का, येलो से कलर का एक ब्लैंकेट जैसा बन गया है, इसी को येलो बैंड डिजीज बोला जाता है। इसके कलर की वजह से ही इसका नाम लिया गया है। इसको सबसे पहले आज से कई सदियों पहले इसको नोटिस किया गया था और माना जा रहा है ये कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, कोरल रीफ को डैमेज करने का बहुत बड़ा काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कोरल ब्लीचिंग की वजह से कभी इन्हें रिस्टोर नहीं किया जा सकता, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो येलो बैंड को कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब इसके बाद कोरल की डेथ ही होगी। सो इट इज कॉज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, जिसमें आपको देखने मिलेगा वाटर पॉल्यूशन, वाटर टेम्परेचर, सेडिमेंटेशन, साथ ही इसकी वजह से आपको जो कनेक्शन है जैसे जूज एंथले का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हैम्पर होता हुआ नजर आता है। सो इट इज बेसिकली व्हाट, याद रखिए एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड कर जाता है कोरल पे और उसके डिसकलरेशन या उसका धीरे धीरे पेल येलो कलर क्रिएट करने लगता है, विच मीन्स नाउ आफ्टर फ्यू टाइम ये जो कोरल है इसकी यहाँ पर डेथ हो जाएगी। सो ये जो लीजन्स है दे आर बेसिकली लोकेशन वेयर दिस बैक्टीरिया हैव किल्ड द कोरल सिम्बायोटिक फोटोसिंथेटिक एल्गे, जिसका नाम क्या है, जूज़ैंथले। अब आपको याद होगा जूज़ैंथले और कोरल्स के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है जहां पे कोरल्स क्या करती हैं, इनको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं और जूज़ैंथले के बदले में क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये लीजन क्या करता है, ये ऐसी जगह पे लग जाता है जो कोरल का सिम्बायोटिक फोटोसिंथेटिक एल्गी है जूज़ैंथले, इसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा विच मीन्स व्हाट, यहाँ पे फूड नहीं आ पाएगा कोरल्स के पास, न्यूट्रिशन नहीं आ पाएगा एंड अल्टीमेटली जो सेल्यूलर डैमेज है वो यहाँ पर इसके एनर्जी सोर्स को हो जाएगा और फाइनली आप देखेंगे जो डेथ हो जाएगी वो कोरल्स की हो जाती है। क्लियर? सो याद रखिएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और किसको इम्पैक्ट करता है। अगर हम मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो देखिए ये जो कंडीशंस है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करती हैं। कुछ वाटर कंडीशंस है जैसे फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर, इंक्रीज्ड नाइट्रोजन बेस्ड कोरल्स विल अपीयर स्ट्रेस, तो हमें इसको भी कम करने की आवश्यकता है जिसकी वजह से हम देखेंगे कि फाइनली क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर हम इस सेडिमेंटेशन और इस कंडीशन को कंट्रोल कर पाएंगे तो जो ये जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पर खत्म होने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आई गेस हमने 31-32 से भी ज्यादा करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर सीरीज में डिस्कस किए हैं। इसके पहले जो हमने 6 सीरीज डिस्कस करी हैं उनको मिलाकर अगर हम बात करें तो शायद हमने 100 करंट अफेयर्स आज के डेट में डिस्कस कर लिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमने उसका 360 डिग्री एनालिसिस भी किया है। सो आई होप ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको पसंद आया हो। डू कमेंट और बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस है, आपका प्रीलिम्स आने वाला है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर अभी तक आपने इन सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप आई बटन में जाके ये 6 की 6 सीरीज यहाँ पर देख लें। सो थैंक यू एंड सी यू सून।